कैमरा फ्लिप कर लेना इधर। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस किया था, उसमें कितने डेप्थ में जा सकते थे उतने हमने कवर किया है। आज हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, समझेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे बनता है और क्यों बनता है और किस तरीके से इसका अप्लीकेशन होता है, तभी हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में समझ पाएंगे। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग विथ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट सिर्फ स्टोरी की तरह सुनते जाना कि मैं क्या क्या चीजें बोल रहा हूँ, किस तरीके के सिनारियों में आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सपोज मैं एक पर्सन हूँ, एक रिसर्चर हूँ और मैं स्ट्रीट के कॉर्नर पे कहीं पे खड़ा हो जाता हूँ और वहां पर खड़ा होने के बाद मैं एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा उस वर्ड को पकड़ना, ठीक है। मैं किसी स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ा हूँ और खड़ा होकर वहां पर यूनिट टाइम इंटरवल, दिस पर यूनिट टाइम इंटरवल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, पर यूनिट टाइम इंटरवल में कितने मोटर बाइक वहां पे क्रॉस कर रहे हैं मैं उनका काउंट कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बाइक दैट विल क्रॉस इन वन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, लेट मी नो, यू कैन रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स। बोलिए, स्वरूप आप पूछ रहे हो कि कैन यू शो मी डेट गेट, डोंट आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस। ओके, आप कोई भी क्वेश्चंस ले लो यार, मैं इतना बोल रहा हूँ ना, मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए अभी तक आपको, या कोई भी ब्रांच उठा लो, नॉट ओनली मैकेनिकल सिविल या कोई भी ब्रांच उठा लो, अगर वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी से एक बार 0 और 1 लेकर पूछा है, अगली बार 1 और 2 लेकर पूछा है, तो मैं नहीं बोलूंगा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं बोलूंगा सेम क्वेश्चन है। सो ये सब मन में बिल्कुल हटा दो कि गेट के एग्जामिनेशन में मैथ में डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इन दोनों को सेम क्वेश्चन बोलूंगा। अगर सपोज कि आपको एग्जामिनेशन में कोई पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यूज 1 लेकर पूछा है, अगली बार वो मीन वैल्यूज 5 लेकर पूछ रहा है, मैं नहीं बोलूंगा दीज आर डिफरेंट क्वेश्चन, मैं बोलूंगा ये सेम क्वेश्चन है, आपको समझने की जरूरत है कि ये सेम क्वेश्चन है। हम लोग छोटे बच्चे नहीं है 2-3 स्टैंडर्ड के, जो मैं ऐसे एग्जांपल करूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं एक बार एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करूं, एक बार एफ ऑफ 5 कैलकुलेट करूं, नहीं, कम से कम इंजीनियर हैं, इंजीनियर के लेवल के हम अंडरस्टैंडिंग रखें कि एक बार अगर म्यू इज इक्वल टू 1 के लिए पूछा है तो मैं म्यू इज इक्वल टू 5 के लिए भी मैं सॉल्व कर लूंगा, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों क्वेश्चन को सेम मानूंगा, डिफरेंट बिल्कुल नहीं मानूंगा। डिफरेंट तब होगा जब मीन, एंड यहां पर भी मीन दिया हुआ है, इसके जगह पर वेरियंस दे दे, तो मैं बोलूंगा कि हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मुझे पता होगा कि मीन एंड वेरिएंस में, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या रिलेशन होता है, क्या मैं वेरिएंस निकालकर मीन निकाल सकता हूं, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन में भी कोई नया नहीं रह जाएगा, हम लोग बोलेंगे सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। सो ये सब मन से निकालिए, जिनको पढ़ाना नहीं आता है ना, वो लोग बोलते हैं कि गेट में मैथमेटिक्स में डिफरेंट क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट कुछ नहीं होता। कितनी बार आप दिख लो मैट्रिक्स के चैप्टर में आइगन वैल्यूज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक मैट्रिक्स दे दिया, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज बताइए, भैया सबको पता है सम ऑफ द आइगन वैल्यू ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स होता है, और ऐसे क्वेश्चन कम से कम तो 30 बार पूछे होंगे। सो देयर इज नथिंग न्यू इन द गेट एग्जामिनेशन। गेट एग्जामिनेशन जो 11-12 का एग्जामिनेशन होता है ना, जिसको लोग बोलते हैं रट्टा मार के पास कर लेना, वो रट्टा मार के भी मैथ में पास हो सकते हैं। बस ठीक है, मैं मान लेता हूं 15 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं या 12 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें से 1-2 क्वेश्चन स्लाइट डिफरेंट हो जाता है, जो हमें डायरेक्टली नहीं दिखता है, मैं मानता हूं उस चीज को। लेकिन 80% तो बोलोगे कि 80% सेम टू सेम निकल कर आता है। सो जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। मैं पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बता रहा था आपसे। ओके, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि मैं एक स्ट्रीट के कॉर्नर पे खड़ा हूं, पर यूनिट टाइम इंटरवल में वहां पे कितने बाइक क्रॉस कर रहे हैं मैं उसको काउंट कर रहा हूं। सो व्हाट विल बी द मिनिमम नंबर ऑफ बाइक दैट विल क्रॉस फ्रॉम देयर
इन वन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, एक यूनिट टाइम इंटरवल में कितने मिनिमम बाइक वहां से क्रॉस कर सकते हैं? एनीवन? बोलिए. ओके, स्वरूप इज सेइंग वन, जीरो. ओके, जीरो समय, जीरो. ओके, सो ठीक है. पर यूनिट टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं, पर यूनिट टाइम इंटरवल इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वर्ड होगा. हम हमेशा जब भी क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व कर रहे होंगे तो मैं अपना देखूंगा कि मेरा पर यूनिट टाइम इंटरवल क्या है. मैं वहां पर खड़ा होकर मैं एक घंटे को अपना यूनिट टाइम इंटरवल मानू, मैं आधे घंटे को अपना यूनिट इंटरवल टाइम मानू, या फिर वन मिनट को मैं यूनिट इंटरवल टाइम मानू, ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि हमारा पर यूनिट टाइम इंटरवल क्या है. ओके, सो मैं एक पर यूनिट टाइम इंटरवल में वहां पर अगर मैं काउंट कर रहा हूं तो मिनिमम मुझे वहां पर जीरो बाइक क्रॉस करते हुए दिखेंगे. क्या कभी ऐसा भी सिनारियो हो सकता है कि 1/2 बाइक क्रॉस कर रहा हो, 2/3 बाइक क्रॉस कर रहे हो, 4/3 बाइक क्रॉस कर रहे हो? नहीं, इस टाइप का कोई भी सिनारियो जनरेट नहीं हो सकता. हम पर यूनिट टाइम इंटरवल में हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो ऑलवेज इंटीजर्स होते हैं. सो हम लोग बोलेंगे जीरो बाइक्स के बाद हम लोग सोच सकते हैं ऐसा कि वन बाइक क्रॉस कर सकता है, टू बाइक भी क्रॉस कर सकते हैं, थ्री बाइक भी क्रॉस कर सकते हैं. मैक्सिमम कितने बाइक वहां से क्रॉस कर सकते हैं, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. बताइए what will be the maximum number of bikes that can be crossed from that, वहां पर per unit time interval में कितने bike maximum cross कर सकते हैं? Anyone? किसी का answer? What will be the maximum? Very good, very good. It will be infinitely many. So we will say that this is non-terminable. This is non-terminable. जैसे infinite कैसे बोल रहे हो सर, वो मैं समझा रहा हूं आपको. मैं एक रेलवे फाटक के कॉर्नर पे खड़ा हूं, कोई ट्रेन क्रॉस करने वाली थी, वहां पे फाटक क्लोज है और मैं वहां पे खड़ा था. मेरा पर यूनिट टाइम इंटरवल नेक्स्ट यूनिट टाइम इंटरवल में कन्वर्ट हुआ. फर्स्ट यूनिट में कोई भी बाइक क्रॉस नहीं किए, नेक्स्ट यूनिट टाइम इंटरवल में वो फाटक खुलता है और वहां से बहुत सारी बाइक्स क्रॉस करना स्टार्ट करती है. इट मींस वो बहुत लार्ज नंबर हो जाएगा. So we will say that this is not going to terminate. वो definite नहीं है कि कब कितनी bike cross करेगा, वो infinitely many भी हो सकते हैं. So first one, Poisson distribution जो हम लोग पढ़ रहे हैं, that Poisson distribution will be infinitely extended distribution. इसमें infinitely many observation हो सकते हैं, मुझे इसके ऊपर restriction नहीं लेना है. Okay. दूसरी चीज, आप मुझे ये चीज समझाने की कोशिश करना कि अगर मैं किसी per unit time interval की मैं बात करूं तो जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा प्रोबेबिलिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? अगर मैं बोलूं कि पर यूनिट टाइम इंटरवल में 1,00,000 बाइक क्रॉस करे, क्या ये फिजिबल लग रहा है आपको? इन जनरल सर्कमस्टांसिस में आपको फिजिबल लग रहा है? जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. बहुत आगे जाकर, मैं यहां पर बात नहीं कर रहा हूं अभी, बहुत आगे जाकर 100, 200 या 10, 15, 20 ऐसी मैं बातें करूं तो आगे चलकर प्रोबेबिलिटी बहुत ही निग्लिजिबल हो जाएगी. एक चीज हमें यह भी समझ में आया. ओके, नेक्स्ट वन में जो आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसके ऊपर फोकस करना. मैंने बोला पर यूनिट टाइम इंटरवल में कितने बाइक जा रहे हैं, मैं उनको काउंट कर रहा हूं. ओके, मान लीजिए कि फर्स्ट मिनट में 5 बाइक क्रॉस की, सेकेंड मिनट में 6 बाइक क्रॉस की, थर्ड मिनट में 4 बाइक क्रॉस किए, फोर्थ मिनट में 0 बाइक क्रॉस किया. अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि पर यूनिट टाइम इंटरवल, तो पर यूनिट का मतलब क्या होता है? जैसे सिंपली है, कुछ चीजें निकालते हैं और उसको हम कितने नंबर्स हैं वहां पे उससे डिवाइड करते हैं तो पर यूनिट का कॉन्सेप्ट निकल कर आता है. अब यहां पर यूनिट टाइम का आ रहा है, टोटल टाइम कितने हुए? देयर इज अ 4 मिनट, there is 4 मिनट. ओके, तो पर यूनिट टाइम इंटरवल की मैं बात कर रहा हूं तो इट मींस हम लोग एवरेज की बात कर रहे हैं.
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मॉडल है वो पर यूनिट टाइम इंटरवल पे वर्क करता है, इट मींस हम टोटली एवरेज वैल्यूज पे ही डिपेंड करेगा। ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक ही पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, दैट विल बी द एवरेज वैल्यूज, मीन वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सो राइट इट डाउन। फर्स्ट वन, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन is valid for r is equal to 0, 1, 2, 3 up to so. This is infinitely extended. Second one, it have only one parameter. It have only one parameter, that is mu. किसी बुक में लैम्डा से डिनोट किया हुआ रहेगा, किसी बुक में म्यू रहेगा। मैं म्यू इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि म्यू हम मीन वैल्यूज के लिए यूज किया करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग म्यू। और ये म्यू क्या है, म्यू को लिख लीजिए, म्यू इज मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू, एक्सपेक्टेशन, सब कुछ यही है म्यू। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन टोटली के टोटली म्यू पे डिपेंड करेगा, जो कि एक पैरामीटर होगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्वेश्चन अगर पूछेगा नंबर ऑफ पैरामीटर इन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, यू विल डायरेक्टली से देयर इज ओनली वन पैरामीटर, दैट इज म्यू, मीन वैल्यू। एक ही पैरामीटर है, म्यू इज द मीन वैल्यू एंड मीन वैल्यू इज द पैरामीटर फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मॉडल, सो वी विल राइट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है इसलिए मास फंक्शन की बात कर रहे हैं, PMF की बात कर रहे हैं। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, पॉइजन ने जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस। आर सक्सेस का मतलब यह हुआ कि कभी ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा होगा कि उस पर यूनिट टाइम इंटरवल में, उस पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में फोर व्हीकल के पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, दैट इज द आर। हम फोर व्हीकल को सक्सेस मान रहे हैं, फोर सक्सेस की बात कर रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस इज गिवन बाय पी आर, एंड पी आर इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर। हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे आर की वैल्यूज क्या हो सकती है, सो वी विल राइट आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू सो। ये इस तरीके से होगा। देखो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सब इतना ही पढ़ाते हैं, और इससे मैं आगे लेकर आपको जाऊंगा कि इसके अलावा हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में और क्या कवर कर सकते हैं। सो राइट इट डाउन, जस्ट इसको लिख लीजिए। आर क्या है, आर सक्सेस की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो यहां पर निकल कर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस। हम वहां पे कॉर्नर पे खड़े थे, वहां पर कितने बाइक क्रॉस कर रहे थे, मैं उनको काउंट कर रहा था, दैट काउंट इज हियर डिनोटेड बाय आर। 0 बाइक, 1 बाइक, 2 बाइक, 3 बाइक, उस तरीके से मैं आर को डिनोट किया है। बहुत सारे पीपल ऐसा बोलते हैं कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक रिपीटेड ट्रायल का केस है। हाउ इट इज रिपीटेड ट्रायल, क्या ये रिपीटेड ट्रायल है या ये रिपीटेड ट्रायल नहीं है। हम रिपीटेड ट्रायल की बात कब करते हैं, सपोज मैंने एक क्वाइन लिया और उस क्वाइन को मैंने टॉस किया, तो आइदर हेड आएगा और आइदर टेल आएगा। मैंने दूसरी बार उस क्वाइन को टॉस किया, मैंने उसी क्वाइन को टॉस किया है, मैंने उसी क्वाइन को टॉस किया, मैंने किसी दूसरे क्वाइन को टॉस नहीं किया। अब आप सोचो कि मैं किसी कॉर्नर पे खड़ा हूं और वहां से एक बाइक क्रॉस किया है, क्या वो सेम बाइक फिर से क्रॉस करेगा, क्या सेम नंबर ऑफ बाइक फिर से क्रॉस करेंगे? नहीं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट द केस ऑफ रिपीटेड ट्रायल। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड ट्रायल का केस नहीं होता है, तो इन सब चीजों को मन से निकाल दीजिएगा। अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड ट्रायल का केस है, तो उन सब चीजों को हटा दीजिएगा मन से, बिल्कुल भी गलत वो कॉन्सेप्ट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन रिपीटेड ट्रायल का केस नहीं होता है। ओके, सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज वैलिड फॉर 0, 1, 2, 3 अप टू सो, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है। हमने बोला कि इसमें एक ही पैरामीटर होता है, ये वन पैरामीटर होना ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा कितने पैरामीटर है बाइनोमियल में, तो बाइनोमियल में दो। कितने पैरामीटर है पॉइजन में, तो पॉइजन में एक। बाइनोमियल का मैंने कल बता दिया था आपको। सो मीन वैल्यूज यहाँ पे पैरामीटर का वर्क करता है। क्यों पैरामीटर का, देखो एक ही वेरिएबल है म्यू। ओके, सो म्यू इज नंबर, म्यू इज द पैरामीटर हियर। आर तो हम जितनी सक्सेस की बात करेंगे वो यहाँ पे आर आ जाएगा। फैक्टोरियल का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फैक्टोरियल 0 1 होता है, फैक्टोरियल 1 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 इज 1 इंटू 2, फैक्टोरियल 3 इज 1 इंटू 2 इंटू 3, फैक्टोरियल n इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको आना चाहिए। ओके,
अब इसी वैल्यूज को मोस्ट ऑफ दी पीपल करते क्या है कि जब भी प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, देखो कैसी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूं, जब भी ऐसी प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो पीपल करते क्या है कि मैं कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं पी 3 प्लस पी 4 प्लस अप टू 100, कहां तक जाओगे? कोई लिमिटेशन नहीं है, इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है। तो मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा किस तरीके से, 1 माइनस पी आर इज लेस देन 3 से कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि दोनों का सम 1 होना चाहिए। तो मैं दिस प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1 माइनस दिस कर लिया। अब अगर मुझे कभी पी आर लेस देन 3 कैलकुलेट करना है तो मैं इसे लिखूंगा पी 0 प्लस पी 1 प्लस पी 2। पीपल करते क्या है, पी 0 कैलकुलेट करेंगे, फिर पी 1 कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद पी 2 कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद सबको सम करेंगे। ऐसे फार्मूले में मैं सब्टीट्यूट करूंगा 0, फिर 1 सब्टीट्यूट करूंगा, फिर 2 सब्टीट्यूट करूंगा, तीनों वैल्यूज फाइंड आउट करूंगा, उसके बाद ऐड करूंगा। इसमें टाइम कंज्यूम हो जाता है, मुझे उतने टाइम नहीं लगाना है, मुझे थोड़े अपने टाइम को सेव करना है। तरीका यही होगा, लिखने का तरीका हमारा चेंज करेगा, फार्मूला तो यही है, लेकिन हम सॉल्व कैसे मिनिमम टाइम में करें ये चीजें हमारे लिए चेंज कर जाएगी। जो बाकी लोग कर रहे हैं हम उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम अपना कम से कम 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड या 1 मिनट कम से कम सेव कर पाएंगे। देखते हैं कैसे सेव करना है इन टाइम्स को। अगर कभी भी मुझे पी 0 की जरूरत पड़ी तो पी 0 की वैल्यूज क्या होगी, P0 की वैल्यूज क्या होगी? अगर मुझे P0 कैलकुलेट करना है तो P0 की वैल्यूज क्या होगी? सर 0 यहां पे पुट कर लो, R की वैल्यू, R की वैल्यू 0 पुट किया, म्यू रेज़ टू 0 1, फैक्टोरियल 0 इज 1, इट मींस वी आर गेटिंग जस्ट e रेज़ टू माइनस म्यू, सो वी विल राइट हियर e रेज़ टू माइनस म्यू। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं यहां पर होना चाहिए। सेकंड वन, अगर मुझे कोई P1 कैलकुलेट करने के लिए बोला तो P1 कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर P1 कैलकुलेट करना है, R की वैल्यूज 1 पुट करोगे, e raise to minus mu तो वैसा ही है, mu पे power 1, factorial 1, factorial 1 is 1, it means we are getting mu into e raise to minus mu, okay? Now, next one, मुझे P2 calculate करना है, P2 calculate करना है, देखो याद रखने का तरीका भी मैं बता दूंगा आपको, P2 calculate करना है, मैं R की value 2 put करूंगा, तो मुझे दिखेगा mu square by factorial 2, factorial 2 मैंने लिखा है यहाँ पर, e raise to minus mu आएगा। इसी तरीके से अगर कोई मुझसे P3 पूछ रहा होगा तो म्यू क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 e रेस्ट टू माइनस म्यू करूंगा। आपको एक्सपोनेंशियल याद होगा कि e रेस्ट टू माइनस x, e रेस्ट टू x का, e रेस्ट टू x का एक्सपेंशन क्या होता है? सर 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू 100, ऐसा होता है। कंपेयर कीजिए, देखिए सोचिए, यहां पे 1 है, यहां पे म्यू है, यहाँ पे म्यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 है, यहाँ पे म्यू क्यू बाई फैक्टोरियल 3 है। ओके, गेट के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन है, गेट के इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मीन वैल्यू म्यू, एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी मीन वैल्यू म्यू है, देन व्हाट विल बी द समेशन ऑफ दिस वन, सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर, इसकी वैल्यूज कितनी होगी? सर ये सारी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को 0 से लेकर इनफाइनाइट तक एक्सटेंड किया। अगर ऐसा एक्सटेंड कर रहे हैं तो मैं सारे इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी को ऐड कर रहा हूं, सारे इवेंट के लिए अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लूं तो वो एडिशन कितने आएंगे, वो एडिशन कितने आएंगे, वो एडिशंस कितने निकल कर आएंगे? सर ये एडिशन, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होता है तो मैं यहां पे 1 लिखूंगा। ओके, उनका दूसरा क्वेश्चन था प्रूव इट, हाउ यू विल प्रूव दिस वन, कैसे प्रूव करना है इस चीज को, ये हमें समझना है, कैसे प्रूव करेंगे कि e रेज़ टू माइनस म्यू, म्यू रेज़ टू r अपॉन फैक्टोरियल r 1 के इक्वल होता है, ये कैसे प्रूव करें? एनीवन? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। सो सर अगर मुझे ये प्रूफ करना है e सिग्मा ऑफ e रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर इज इक्वल टू 1
फॉर आर इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी, ये मुझे प्रूफ करना है तो मुझे सबसे पहले ये चीज समझना पड़ेगा कि आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी कर। यहां पर सिर्फ आर वेरी कर रहा है, ई रेस टू माइनस म्यू नहीं वेरी करेगा, म्यू नहीं वेरी करेगा। सो वी विल राइट ई रेस टू माइनस म्यू आउट साइड, लेट सब्स्टिट्यूट जीरो, म्यू रेस टू जीरो इज वन, फैक्टोरियल जीरो इज वन, सो वन, लेट सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू वन, वी विल गेट म्यू, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूट आर इज इक्वल टू टू, इट विल बी म्यू स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू, सिमिलरली म्यू क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस अप टू सो, ऐसा दिखेगा। मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया है अभी। सो दिस इज ई रेस टू माइनस म्यू, ये क्वांटिटी क्या है? दिस इज नथिंग बट ई रेस टू म्यू। हमने ई रेस टू एक्स का एक्सपेंशन अभी लिखा था, वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल थ्री, ये मैंने ऐसा लिखा था। तो जब भी हम लोग e रेस टू माइनस म्यू को e रेस टू म्यू से मल्टीपल करेंगे तो ये दोनों मल्टीपल करने के बाद वन आएगा। आफ्टर मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट एक्जैक्टली वन, e रेस टू माइनस म्यू इंटू e रेस टू म्यू इज e रेस टू जीरो, एंड e रेस टू जीरो की वैल्यूज वन होगी। एक स्टेप में प्रूफ हुआ है। सो कभी भी गेट के एग्जामिनेशन में इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसको थोड़ा सा सोचिए, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता है, ट्राई तो करके देख ले मेरे भाई, हो जाएगा। ओके अब यहां पर मेरा क्वेश्चन फिर से अराइज होता है कि सर ये चीज तो मुझे समझ में आ गया कि P0, P1, P2, P3 है तो मैं ऐसे कैलकुलेशन करूंगा, व्हाट अबाउट दिस वन? अगर मुझसे कोई पूछा पी आर लेस देन इक्वल टू टू तो मैं क्या करूंगा? यहां से ही मेरे माइंड में ये चीज क्लिक करना चाहिए कि आर जीरो से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, टू तक जाएगा। आर जीरो से स्टार्ट होगा कहां तक जाएगा, टू तक जाएगा। सो वी विल राइट दिस इज इक्वल टू वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू ई रेस टू माइनस म्यू। मीन वैल्यू म्यू जो होगा वन टू फाइव ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, वो मैं यहां पर पुट करूंगा ना तो ये कैलकुलेशन मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, और उसके बाद ई रेस टू माइनस म्यू को कैलसी का यूज करके मैं सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, कैलसी का यूज करके मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर लूंगा। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि मैं कैसे ले रहा हूं। अगर सपोज मुझसे कभी पूछ दिया पी आर ग्रेटर देन इक्वल टू टू, जब भी ग्रेटर देन की बात रहेगा तो हमें ध्यान में रखना है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होता है, तो मैं इस तरीके से तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। सो वी विल जस्ट राइट वन माइनस पी आर लेस देन टू। लेस देन टू में कौन से इवेंट आएंगे? सर जीरो आएगा, वन आएगा, टू नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन टू की बात हो रही। सो वी विल राइट दिस वन एज वन माइनस वन प्लस म्यू ई रेस टू माइनस म्यू। You have to do the calculation in this one, this way to save the time. अगर मैं एक एक quantity को separate solve करना start किया तो मैं इसमें भी कैलसी यूज करूंगा, फिर मैं सोचूंगा टू डेसिमल तक लिखूं या थ्री डेसिमल तक लिखूं, फिर मैं इसको भी सॉल्व करूंगा, इसमें भी वही सेम प्रॉब्लम, टू डेसिमल या थ्री डेसिमल, इसमें भी सेम प्रॉब्लम। तो इस तरीके से मैं बार बार करूं, उससे अच्छा है मैं पूरा कैलकुलेशन एक बार में ही क्यों ना कर लूं। So, इस चीज को, इस वे को ध्यान में रखना कि मैं कैसे बता रहा हूं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये वे हम लोग यूज करेंगे क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। ओके नेक्स्ट वन, आई थिंक सबने लिख लिया होगा ये। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग मीन वैल्यू की बात करते हैं, और मीन वैल्यूज जो हम लोग लिख रहे हैं वो म्यू लिख रहे हैं। अगर मीन वैल्यू म्यू है देन व्हाट विल बी एक्सपेक्टेशन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? जिस रैंडम वेरिएबल से पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किया है उसके लिए एक्सपेक्टेशन क्या होगा? सर वी विल से दैट इफ एक्स इज द रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज म्यू। यहां पर रैंडम वेरिएबल मैंने आर लिया है तो आप आर लिखोगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि मीन वैल्यूज और एक्सपेक्टेशन दोनों सेम होता है। Then after we will talk about first moment about the origin. First moment about the origin. अगर मुझे origin के लिए first moment निकालना है तो मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताया था कि first moment की बात हो रही है, it means ER की बात हो रही है, और ER की बात हो रही है, it means expectation of R की बात हो रही है, expectation of R is mu. इसी expectation को हम लोग ER से भी denote करेंगे, और यही mean values भी होता है. So we will again say this is nothing but mu. Now second moment about the origin. ध्यान से देखना, कोई नहीं पढ़ाता भैया ये चीज, बोलते हैं नहीं होता है ऐसा कुछ, या फिर बोलते हैं नहीं आता है गेट में। गेट का पेपर पलट के देखना कि क्वेश्चन पूछा है या नहीं, अगर किसी एक ब्रांच में पूछ दिया ना तो वैसे क्वेश्चन दूसरे ब्रांच में भी पूछने के चांसेस रहेंगे। डायरेक्टली पूछा है व्हाट इज सेकंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन फॉर द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन,
सो राइट डाउन सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन. सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इट मीन्स ई आर स्क्वायर की मैं बात करूंगा एंड ई आर स्क्वायर इज नथिंग बट म्यू इंटू म्यू प्लस वन. ये म्यू इंटू म्यू प्लस वन होता है. नाउ व्हाट इज वेरियंस. वेरियंस क्या होता है. अगर रैंडम वेरिएबल आर है तो मैं वेरियंस बोलूंगा ई आर स्क्वायर माइनस ई आर का होल स्क्वायर. ई आर स्क्वायर क्या है. म्यू इंटू म्यू इज म्यू स्क्वायर. म्यू स्क्वायर प्लस म्यू. म्यू स्क्वायर प्लस म्यू में म्यू स्क्वायर को सबस्ट्रैक कर दिया सो रिमेनिंग क्या बचेगा म्यू. सो वी विल से डेट वेरियंस विल बी म्यू ओनली. तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मीन वैल्यूज होते हैं वही वेरियंस होते हैं. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यूज एंड वेरियंस दोनों के दोनों सेम होते हैं. नाउ अ स्टैंडर्ड डेविएशन. व्हाट इज अ स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सर अ स्टैंडर्ड डेविएशन तो मुझे सिर्फ इतना ध्यान में रखना है. अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस. वेरियंस म्यू दिया हुआ है इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट. सर दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू. सो अ स्टैंडर्ड डेविएशन अ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू हो गया. आई थिंक सबको ये चीजें क्लियर हुई होगी कि मैंने फर्स्ट मोमेंट क्या बोला है, सेकेंड मोमेंट क्या बोला है, वेरियंस क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोला है. अब इन चीजों को देख लो और मेरा जो क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन के ऊपर आंसर देना है आपको कि क्या आंसर आएगा. मैं इन्हीं सब चीजों को तोड़ मड़ोकर दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा और आपको समझ कर आंसर देना है कि उसका आंसर क्या आ रहा है. इफ कैपिटल एक्स इज अ Poisson's distributed random variable. Then sigma e raised to minus mu, mu raised to x upon factorial x, x from 0 to infinity is equal to question number 1. क्वेश्चन नंबर टू सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस म्यू म्यू रेज टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स मल्टीपल विथ एक्स इज इक्वल टू. थर्ड वन सिग्मा एक्स इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ई रेज टू माइनस म्यू म्यू रेज टू एक्स अपॉन फैक्टोरियल एक्स इज इक्वल टू. ये तीन वैल्यूज मैंने आपसे पूछी है और ये तीन वैल्यूज आपको बतानी है. गेट में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि व्हाट इज द समेशन ऑफ दिस वन. सो आपको बताना है कि ये समेशन क्या आएगा. फर्स्ट के लिए बताइए अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेरे भाई खत्म नहीं हुआ है. वेट करो, पेशेंस रखो थोड़ा. मैं कोई टॉपिक छोड़ूंगा नहीं, पेशेंस रखो. मत पूछो अभी कि सर मीन क्या है, मीडियन क्या है. मीन बता चुका हूं, मीडियन क्या है. पहले ये जो टॉपिक स्टार्ट किया उसको तो खत्म कर लेने दे मेरे भाई, उसको तो समझा लेने दे. बोलिए एनीवन. ओके फर्स्ट का आंसर वन वेरी गुड. फर्स्ट इज नथिंग बट सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी. सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज वन. व्हाट अबाउट सेकेंड वन दूसरे की वैल्यूज बताइए सेकेंड वाली वैल्यू बताइए. कोई भी सेकंड की वैल्यूज बताओ. ओके सेकंड का एक्स बोल रहे हैं यार. चलो ठीक है. ये चीज बताओ मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है. व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ई एक्स. कैन वी राइट दिस इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई. क्या हम ऐसे ही लिखते हैं एक्सपेक्टेशन को, ऐसे ही लिखते हैं सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई, ऐसे ही लिखते हैं. यहां पर क्या है, एक्स है और ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन किसके साथ मल्टीपल हुआ, एक्स के साथ मल्टीपल हुआ. ई एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज सिग्मा एक्स आई पी एक्स आई. तो ये क्या वैल्यू देता है, एक्सपेक्टेशन देता है. और एक्सपेक्टेशन क्या है, दैट इज द मीन वैल्यू ओनली. वो मीन वैल्यू है यार,
क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? सो दिस इज नथिंग बट मीन वैल्यू, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन वैल्यूज क्या है? इस डिस्ट्रीब्यूशन से मुझे मिलेगा जो e के ऊपर में एक्सपोनेंट नंबर नजर आता है, दैट इज द मीन वैल्यूज। यहां पर क्या है? म्यू। सो वी विल राइट दिस एज म्यू, नॉट x। बहुत सारे लोग x आंसर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? x को बाहर कर रहे हैं और बाकी का समेशन वन बोल दिया। भैया x वेरी कर रहा है, आप x को बाहर कैसे कर लोगे? इसकी वैल्यूज बताइए। कौन आंसर दे रहा है जल्दी बताओ? थर्ड का आंसर दीजिए। एनीवन? थर्ड का आंसर दीजिए जल्दी। थर्ड क्या है ये चीज समझाओ, वर्ड में लिख दो कि थर्ड क्या है, फर्स्ट मोमेंट सेकंड मोमेंट क्या है वो थर्ड। यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो सर ये जो है ना, एक्चुअली ई एक्स स्क्वायर है, ई एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर पी एक्स आई, ये अपना पी एक्स आई है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, और ये एक्स स्क्वायर है, दिस इज सेकेंड मोमेंट, और सेकेंड मोमेंट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने लिखाया है म्यू इंटू म्यू प्लस वन, म्यू इंटू म्यू प्लस वन इज द सेकेंड मोमेंट। तो लिख लीजिए इसको, दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू म्यू प्लस वन। ऑप्शन में ऐसे ही होंगे, फर्स्ट ऑप्शन यही होगा एक्स स्क्वायर, और गलती करके आओगे बाद में बोलोगे कि सर ने नहीं पढ़ाया था, और ऐसी चीजें तो बतानी लायक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको। यस वेरी गुड। सो डिस्क्रीट में लिखकर समझ लिया कि क्या है नहीं है। ओके अब एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन को इंप्लीमेंट करेंगे यहां पर, और देखेंगे कि मैं इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीडियन और मॉड कैसे कैलकुलेट करता हूं। सो ऑब्जर्व करना, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं सिर्फ। इफ कैपिटल एक्स इज अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल, with mean value 2, with mean value 2, the mean, median and mod, mean value तो दिया ही हुआ है इसलिए mean लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, then with mean value 2, then मीडियन एंड मोड ऑफ एक्स आर फिल इन द ब्लैंक। देखो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे सिंपल सा बनेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कैसा बनेगा? इफ कैपिटल एक्स इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विथ मीन वैल्यू 2, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर ट्रू। फर्स्ट वन, वेरियंस ऑफ एक्स is equal to 2. Second one, median of x is equal to something कुछ data दिया हुआ है, mod of x is equal to something कुछ data दिया हुआ है, और इस तरीके से question वो multiple select question में बन जाएंगे। तो multiple select का question poisson distribution में काफी अच्छा बनेगा, है ना? तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है कि किस तरीके से question divert होगा। अब mean value दिया हुआ है 2, मुझसे पूछा गया है median and mod। मीडियन निकालने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया होगा कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। मीडियन एक्स की वो वैल्यू होती है जो पूरे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेती है। 0.5 लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, 0.5 राइट हैंड साइड में होना चाहिए। सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी लेफ्ट हैंड साइड में 0.5 है, राइट हैंड साइड में 0.5 है। तो जिस वैल्यू जो वैल्यू यूज हो रहा है पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड होने के लिए, दैट इज द मीडियन वैल्यू। सर मॉड क्या है? मॉड के बारे में हमने समझ रखा है कि मॉड इज हैविंग द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे ज्यादा टाइम अकर होगा, जो सबसे ज्यादा टाइम अकर होगा उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो, हम उसे मॉड बोलेंगे। तो मॉड, मीडियन, मीन, ये सबका रिलेशन मुझे पता चल गया। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। एक्स की मिनिमम वैल्यूज कहां से स्टार्ट होगी? सर जीरो से स्टार्ट होगा। सो जीरो, वन, टू,
थ्री अप टू सो, इस तरीके से जा रहा है। मैं ईच के लिए प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, तो यहां पर मैं लिखूंगा पी जीरो, पी वन, पी टू, पी थ्री, यहां पे फोर लिख लेते हैं, पी फोर अप टू सो, इस तरीके से मैं लिख रहा हूं। पी जीरो की वैल्यूज क्या होती है? सर पी जीरो की वैल्यूज ई रेस टू माइनस म्यू होती है। पी वन की वैल्यूज क्या होती है? म्यू इंटू ई रेस टू माइनस म्यू होती है। पी टू की वैल्यूज क्या होगी? पी टू की वैल्यूज मैं लिखूंगा म्यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू इंटू ई रेस टू माइनस म्यू। पी थ्री की वैल्यूज मी क्यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री ई रेस टू माइनस म्यू। पी फोर की वैल्यूज म्यू टू द पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर ई रेस टू माइनस म्यू। म्यू आपको दिया हुआ है, दिस इज द मीन वैल्यूज, दैट इज म्यू, ये म्यू ही है। म्यू को यहां पर सब्स्टिट्यूट करो और वैल्यूज कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। सर यहां पर ई रेस टू माइनस टू होगा, दिस इज टू इंटू ई रेस टू माइनस टू, टू स्क्वायर इज फोर, फोर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू दैट इज टू, सो दिस विल बिकम टू टाइम्स ई रेस टू माइनस टू। टू क्यूब इज एट, एट डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री इज सिक्स, एट बाई सिक्स इज फोर बाई थ्री, सो वी विल राइट हेयर फोर बाई थ्री ई रेस टू माइनस टू। जब हम इसके ऊपर जाएंगे, अभी छोड़ दो इसको, जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे, आगे कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ई रेस टू माइनस टू की वैल्यूज कैलसी पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि कैलसी पे कैलकुलेट करने के लिए तभी हम लोग पॉइंट में वैल्यूज निकाल पाएंगे। ई रेस टू माइनस टू की वैल्यूज डायरेक्टली मैं नहीं बता सकता, ठीक है। सो कैलसी का यूज कर रहा हूं, ई रेस टू माइनस टू, ई रेस टू माइनस टू की वैल्यूज होती है 0.135 अप्रोक्सीमेटली। सो ई रेस टू माइनस टू को 2 से मैं मल्टीपल कर दिया तो मैं लिखूंगा 0.27 अप्रोक्सीमेटली, दिस इज ऑल्सो 0.27, एंड 4 बाई 3 ई रेस टू माइनस टू को मैं फाइंड आउट करता हूं, तो ई रेस टू माइनस 2.135 है, इसको मैंने 4 से मल्टीपल किया, इसको 3 से डिवाइड किया, दिस इज 0.180। ओके, अब आपको समझ में आया होगा कि इस वैल्यूज के बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ी है, उसके बाद फिर वही प्रोबेबिलिटी है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिक्रीज की है। इन सब का समेशन करेंगे और मुझे पता है कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी 1 होने वाला है, इट मींस आगे आने वाली कोई भी वैल्यूज जो होगी वो कम होगी, वो छोटी होती चली जाएगी। ओके, सो फर्स्ट वी विल लुक फॉर मीडियन, मुझे पहले मीडियन देखना है। मीडियन वो वैल्यू है जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखते हैं, दिस इज 0.135, अगर 0.135 को 0.27 से ऐड करता हूं तो कितने क्वांटिटी होंगे? 0.135, 0.27 ऐड किया, 0.405 आ गया, 0.405 से कम है, मुझे 0.5 को टच करना है, तो मैंने बोला नेक्स्ट नंबर पे जंप करो, मैंने इसमें 0.270 और भी ऐड किए, सर दिस इज 576 पॉइंट, दिस इज 0.675 आ गया। अगर मैं यहां तक की प्रोबेबिलिटी को ऐड करता हूं, दिस इज लेस देन 0.5, मैं यहां तक ऐड करता हूं तो दिस इज ग्रेटर देन 0.5, तो 0.5 वाली प्रोबेबिलिटी किस नंबर में लाइज कर रही है? सर 0.5 वाली यहां पे ऐड करने के बाद हो रही, ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर यहां पे आ रहा है। सो व्हाट वी विल से अबाउट द मीडियन, दिए हुए क्वेश्चन के लिए मीडियन कितना निकल कर आया? सर मीडियन इज 2, मीडियन 2 निकल कर आया, तो मैं लिखूंगा यहां पर कि इस दिए हुए क्वेश्चन में मीडियन जो निकल कर आया वो 2 निकल कर आया, मीडियन इज इक्वल टू 2 आ गया। व्हाट अबाउट मॉड, मॉड के लिए क्या बोलोगे? सर मॉड वो नंबर होता है जिसके लिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है, ऑब्जर्व कीजिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किन नंबर्स के लिए है। सर दो नंबर्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं जहां पर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है, यहां पर प्रोबेबिलिटी कम है, ये 0.27, ये दोनों हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी दोनों एक साथ ले रहा है और ये प्रोबेबिलिटी और कम होती जा रही है, तो देयर आर टू नंबर फॉर विच प्रोबेबिलिटी इज मैक्सिमम एंड दैट टू नंबर्स आर 1 and 2, सो वी विल राइट मॉड इज इक्वल टू 1 and 2, 1 and 2 दोनों मॉड हैं। यस, सो मॉड 1 and 2 निकल कर आया, मीडियन 2 निकल कर आया। इज देयर एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नहीं होना चाहिए, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपको समझाया है कि क्या है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस गेट का लेता हूं और उसको इंप्लीमेंट करेंगे कि मैं उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना आपको सिखा रहा हूं। जिस तरीके से मैं पर यूनिट टाइम इंटरवल का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, वही कॉन्सेप्ट अगर यूज करोगे तो किसी भी क्वेश्चन को समझने में कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होगा।
कोई भी क्वेश्चन को समझने में डाउट क्रिएट नहीं होगा। एक छोटा सा फंडामेंटल जिसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं उनको समझने में, वो कॉन्सेप्ट में यहां पर डिस्कस कर रहा हूं। सपोज आई एम राइटिंग गैप, तो बताइए कि गैप में, उस गैप में कितने व्हीकल पास करेंगे। मैं बोल रहा हूं देयर इज अ गैप, हाउ मेनी व्हीकल विल पास इन दैट गैप। वो जो टाइम ड्यूरेशन मैंने लिया है उस टाइम ड्यूरेशन के बारे में मैं डिफाइन कर रहा हूं, देयर इज अ गैप, हाउ मेनी व्हीकल विल पास थ्रू दैट गैप। एनीवन फास्ट रिप्लाई कीजिए, एनीवन। ये एसी चालू कर देना तो इधर वाले चल। एनीवन अगर मैं गैप की बात कर रहा हूं तो गैप में कितने व्हीकल पास करेंगे। देखो गेट के एग्जामिनेशन में आपको ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। जयवीर ओके, और कोई? गैप का मतलब क्या होता है यार, गैप का मतलब क्या होता है? देखो इसलिए मैं ये सब छोटी छोटी चीजें बताता हूं क्योंकि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है कि वो गैप बोला है तो क्या बोला है। बचपन में हर कोई स्कूल गया होगा, चाहे वो अच्छे स्कूल हो, छोटे स्कूल हो, बड़े हो, बहुत बड़ा स्कूल हो, हर कोई गया होगा। जब कोई गैप पीरियड होता है तो गैप पीरियड में आप क्या करते हो? क्लासरूम में बैठे रहते हो तो बाहर निकलते हो, खेलते हो, मजा लेते हो, कुछ गैप है भैया? गैप में कोई टीचर आएगा क्या पढ़ाने के लिए? नहीं आएगा। गैप का मतलब क्या होता है? नथिंग, देयर इज नथिंग, देयर इज गैप, देयर इज नथिंग, तो जीरो बोलेंगे। अगर गैप की बात हो रही है तो आर इज इक्वल टू मैं जीरो बोलूंगा, देयर इज नथिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सिक्यूटिव? अगर कोई बोला देयर इज अ कॉन्सिक्यूटिव व्हीकल्स आर पासिंग थ्रू, कंसेक्यूटिव पास कर रहा है तो क्या बोलेंगे? आर की वैल्यूज क्या लेंगे? गैप में तो जीरो आया, कंसेक्यूटिव में क्या आएगा? एनीवन व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हीकल इन कंसेक्यूटिव? कंसेक्यूटिव मतलब एक के पीछे एक, कंसेक्यूटिव लाइन में क्यू में आ जाओ, कंसेक्यूटिव हो जाओ, एक के पीछे एक। जब एक जाएगा तो दूसरा इंटर करेगा, एक जाएगा तो दूसरा इंटर करेगा। मैं रेलवे के काउंटर पे खड़ा हूं, मैं रेलवे के काउंटर पे खड़ा हूं तो रेलवे के काउंटर पे जो सर्विस देने वाले प्रोवाइडर होते हैं वो कंसेक्यूटिव सर्विस देते हैं। कंसेक्यूटिव सर्विस का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि दो पर्सन एक साथ जाकर टिकट काउंटर पे खड़ा हो गया, मुझे भी टिकट चाहिए, मुझे भी टिकट चाहिए। उनमें से वो पर्सन जो सर्विस करने वाला होगा वो किसी एक पर्सन को ही सर्विस करेगा, वहां पर कंसेक्यूटिव सर्विस हो रही है। कंसेक्यूटिव सर्विस का मतलब हुआ वन बाय वन, कंसेक्यूटिव सर्विस का मतलब होता है वन बाय वन। एक पर्सन आएगा उसका सर्विस होगा, वो चला गया, अब दूसरा पर्सन आएगा उसका सर्विस हो जाएगा, वो चला जाएगा, तीसरा पर्सन आएगा। तो जब भी कंसेक्यूटिव की बात आएगी तो मैं आर इज इक्वल टू वन लिया करूंगा। ये सब छोटे छोटे फंडामेंटल्स हैं जो आपको आने चाहिए। गैप मतलब जीरो, कंसेक्यूटिव मतलब वन। वेरी गुड, काफी सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। कंसेक्यूटिव का मतलब वन होना चाहिए। मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं कि गैप का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है। अब आ जाइए गेट के क्वेश्चंस पे, गेट के क्वेश्चंस को कैसे करेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2017, मैं गेट 2017 का क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन इज इफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स, इफ ए रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन के क्वेश्चन में ना सबसे अच्छी चीज ये होती है कि पॉइजन के डिस्ट्रीब्यूशन में हमें दिया हुआ रहता है कि यह क्वेश्चन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का है। सबसे अच्छी चीज इसके क्वेश्चन में यही है कि जब भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें मेंशन होगा दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल। सो देयर इज अ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स दैट इज हैविंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू,
मीन वैल्यू दिया हुआ है, विथ मीन वैल्यू 5, मीन वैल्यूज 5 दिए हुए हैं। दी एक्सपेक्टेशन, दी एक्सपेक्टेशन कौन सा एक्सपेक्टेशन सर? एक्सपेक्टेशन ई एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज फिल इन द ब्लैंक। गेट 2017 का 2 मार्क का क्वेश्चन है, सबको ट्राई करके देखो और आंसर बताओ कि क्या आएगा। मैं यही सब चीजें आप लोग को बार बार बोलता हूं कि मैं सिर्फ, अगर मैकेनिकल का स्टूडेंट हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल के गेट के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। मैं मैकेनिकल का हूं, जो टॉपिक सिविल में आता है, इसी इलेक्ट्रिकल आईएन में आता है, मैं उनके भी क्वेश्चन करके रख लू, इसलिए करने की मैं बात कर रहा हूं। आज ये चीज पूछा, कल के जाके मैं, अगर मैकेनिकल में पूछेगा, सिविल में अगर पूछेगा, तो वो एक्स की, एक्स प्लस 2 की जगह एक्स प्लस 1 कर देगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और डेट टाइम पे अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखूंगा, तो कोई भी ब्रांच का में आ जाए, मैं ऑब्वियस ही बात है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं एक्स प्लस 1 का भी सॉल्व करना सीख जाऊंगा। सो आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। एक्स एक रैंडम वेरिएबल है जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी मीन वैल्यूज 5 दी हुई है, मीन वैल्यू इज 5। नाउ दे आर आस्किंग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। एनीवन? केविन, ओके, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और कोई? जितने लोग ट्राई करोगे उतना अच्छा रहेगा, एग्जाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी ही अच्छी होगी। ओके, सो काफी लोगों का डिफरेंट डिफरेंट आंसर आ रहा है, उन आंसर्स को हम लोग यहां पर देख लेते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। देखते हैं अब क्या करना है अपने को। मुझसे पूछा जा रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, इसका मुझे एक्सपेक्टेशन पूछा जा रहा है। एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला सबको पता होता है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस विल बी द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, ये आ गया। अब हम लोगों ने मीन वैल्यूज के ड्यूरेशन के टाइम पे ये चीज पढ़ा था कि मैं इसको एक्सपेंड करके लिख सकता हूं, एक्सपेक्टेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस बी। तो जो भी टर्म्स मुझे यहां पर दिख रहे हैं, मैं उसमें इस एक्सपेक्टेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया, सो डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं ई एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम ई ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 4। किसी भी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन वो कांस्टेंट ही होता है, सो मैंने यहां पे 4 लिख लिया। ओके, नाउ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब देखो कि जो मैंने सेकेंड मोमेंट आपको बताया है, अगर मुझे सेकेंड मोमेंट नहीं पता है तो मैं इस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकता हूं। देखो यहां पर ई एक्स स्क्वायर है, और ई एक्स स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो सेकेंड मोमेंट का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको सेकेंड मोमेंट बताया है, सेकेंड मोमेंट का फॉर्मूला लिखाया है म्यू इंटू म्यू प्लस 1 प्लस 4 टाइम एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स म्यू प्लस दिस इज 4, ये तो 4 वैसे ही रहेगा। क्वेश्चन में मीन वैल्यूज दिया हुआ है, क्वेश्चन में मीन वैल्यूज कितनी दी हुई है? 5, सो वी विल सब्स्टिट्यूट 5 हियर, 5 इंटू 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इज 6, 5 इंटू 6 30 प्लस 5 इंटू 4 20 प्लस 4, सो आंसर इज 54, आंसर इज 54। यस, काफी सारे स्टूडेंट का आ गया, मलिक, रविंद्र, नरेंद्र, बहुत सारे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। Write down the question.
सपोज पी इज द नंबर ऑफ कार्स, पी इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट पासिंग थ्रू a certain road junction between 5 PM and 6 PM, between 5 PM and 6 PM, and P has a Poisson distribution. P has a Poisson distribution with mean 3. Iski mean 3 di hui hai. What is the probability of observing fewer than three cars during any given minute in this interval. अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेगा. दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2013. ओके, पी के बारे में बोला है, पी इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट पासिंग थ्रू अ रोड जंक्शन. ओके, इन द रोड जंक्शन क्या है, 5 PM टू 6 PM का ड्यूरेशन है. ओके, एंड पी हैज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 3. पी इज द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन वैल्यू 3. ओके, what is the probability of observing fewer than 3 cars during any given minute in this interval. Okay, probability हमें किस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए पूछा है वो इंपॉर्टेंट होता है. हमेशा मैंने बोला, हमें प्रोबेबिलिटी किस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए पूछा है. हमारा यूनिट टाइम इंटरवल है मिनट. तो अब मैं मीन वैल्यूज पे जाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि हमारा मीन वैल्यूज पर यूनिट मिनट में दिया हुआ है या पर यूनिट आवर में दिया हुआ है. क्वेश्चन को रीड करना स्टार्ट किया, पी इज द नंबर ऑफ कार्स पर मिनट. ये पर मिनट में है. अगर ये पर मिनट में है तब तो मुझे इसको कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है. जो मीन वैल्यूज दिया हुआ है मैं उसी मीन वैल्यूज को डायरेक्टली यूज करूंगा, क्योंकि हमारा जो प्रोबेबिलिटी पूछा है वो भी पर मिनट में ही पूछा है. अगर पर मिनट में पूछा है तब तो मैं चेंज नहीं करता. अगर मुझसे ऐसा बोल देता पी इज द नंबर ऑफ कार्स पर आवर पासिंग थ्रू द इंटरवल, पर आवर बोल दिया, तो मैं उसको पर मिनट में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी किस में पूछा है, पर मिनट में. अभी पर मिनट में दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी पर मिनट में पूछा है, तो मुझे मीन वैल्यूज में कोई चेंजिंग नहीं करनी है. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मीन वैल्यू 3 दिया हुआ है. सो वी विल नोट डाउन कि म्यू की वैल्यू जो यहां पर है वो 3 है. अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है फ्यूअर देन 3 कार. फ्यूअर देन 3 का मतलब 3 से कम. 3 से कम क्या हो सकता है, 0, 1 एंड 2. 3 से कम मतलब 0, 1 एंड 2. सो वी विल राइट दैट वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी फॉर पी आर इज लेस देन 3 इज इक्वल टू. मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक क्या बताया था, मैं एक एक कैलकुलेट नहीं करूंगा, मैं पूरा एक साथ कैलकुलेट करूंगा. सो आर इज लेस देन 3 का मतलब मुझे 2 तक जाना है. 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2. फैक्टोरियल 2 इज 2 e रेज टू माइनस म्यू, मुझे ऐसा लिखना है. ओके, म्यू की वैल्यू 3 है, मैंने पुट किया 1 प्लस 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 2 इज 4.5 ई रेस टू माइनस 3. अब ये कैलकुलेशन मुझे करना है, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4.5 8.5
इंटू ई रेस टू माइनस थ्री। अब ये कैलकुलेशन कर लोगे आंसर आ जाएगा। पीपल या फैकल्टी करवाते क्या है वो मैं बार बार रिपीट करा रहा हूं, आप कहीं से भी पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज करा रहे होंगे, पहले बेटा पी जीरो कैलकुलेट करो, पी वन कैलकुलेट करो, पी टू कैलकुलेट करो, फिर उसके बाद ऐड करो। उतना टाइम गेट के एग्जामिनेशन में बिल्कुल नहीं है। अगर मैं मैथ में टाइम बचाऊंगा तो मैं टेक्निकल में यूज करूंगा। मेरा दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा अगर टेक्निकल का हो जाएगा तो चार नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, चार नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे तो हमारे रैंक में 1000 से 2000 का ऊपर नीचे हो सकता है। ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। किसी का आंसर आया क्या? ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैड गिवन द आंसर। ओके, 8.5 × e⁻³ - 3.423। यस, 0.423 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। अभी मैंने वो क्वेश्चन कराया जिसमें मीन वैल्यूज की मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। जहां कहीं भी मुझे मीन वैल्यूज को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी मैं चेंज करूंगा। सो वैसे क्वेश्चन पे भी प्रैक्टिस करना जरूरी है जिसमें मुझे चेंज करने की जरूरत पड़ती है। सो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2014। एन ऑब्जर्वर counts 240 vehicle per hour at a specific highway junction। सिविल वालों के लिए यह टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिविल में ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट आता है और ट्रांसपोर्टेशन के कोर सिलेबस में भी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन मेंशन होता है। वो लोग बोलते हैं कि सर ये मेरे कोर में आता है, मैं बोलता हूँ कि मैथमेटिक्स में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके सिलेबस में है तो मैं मैथमेटिक्स में काउंट करूंगा इसको। सो मैथमेटिक्स में भी काउंट होगा और आपको कंसीडर करना है ट्रांसपोर्टेशन में तो ट्रांसपोर्टेशन में कंसीडर कर लो। तो सिविल वालों के लिए ये टॉपिक और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दोनों में आ जाते हैं ये, तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि सिविल में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन मिल जाए। एन ऑब्जर्वर काउंट्स 240 व्हीकल पर आवर एट ए स्पेसिफिक हाईवे जंक्शन। Assume that the vehicle arrivals at location is poisons distributed. The probability of having one vehicle arriving over a 30 second time interval. फिल इन द ब्लैंक। गेट 2014 का क्वेश्चन है, 2 मार्क का क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले हमें अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी कि मीन वैल्यूज क्या दिया हुआ है, हमें किस यूनिट टाइम इंटरवल पे वर्क करना है, हमें इन सब चीजों की अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। एन ऑब्जर्वर काउंट्स 240 व्हीकल पर आवर एट ए स्पेसिफिक हाईवे जंक्शन। उस जंक्शन पे पर यूनिट टाइम इंटरवल पे, उसका पर यूनिट टाइम इंटरवल क्या है, 1 आवर। वो 1 आवर में 240 व्हीकल को काउंट कर रहा था। ओके, सो मीन वैल्यूज मैंने लिखा यहां पर 240 व्हीकल पर आवर। अब देखते हैं वो प्रोबेबिलिटी किसमें पूछा है। आगे बोला गया है कि वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। व्हाट प्रोबेबिलिटी दे आर आस्किंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग वन व्हीकल की बात हो रही है, एग्जैक्टली वन की बात हो रही है। मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू, मुझे 1 लेनी है, R की वैल्यूज 1 लेकर सॉल्व करनी है, ओवर अ 30 सेकेंड टाइम इंटरवल। प्रोबेबिलिटी जिस यूनिट में पूछा है, जिस यूनिट टाइम इंटरवल में पूछा है, वो यूनिट टाइम इंटरवल 30 सेकेंड का है। डेट यूनिट टाइम इंटरवल इज ऑफ 30 सेकेंड, मुझे 30 सेकेंड में 1 व्हीकल चाहिए। भैया मीन वैल्यू किसमें दिया हुआ है, आवर में।
हमें किसमें चाहिए जरा कमेंट करना, देखते हैं कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को पकड़ा है। मुझे मीन वैल्यूज 240 व्हीकल पर आवर दिया हुआ है, मुझे मीन वैल्यूज को किस यूनिट टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करना है, देखते हैं कौन आंसर देता है और कितने लोग राइट आंसर देते हैं। ओके वेरी गुड वेरी गुड। सो सर मुझे वर्क करना है 30 सेकेंड में, मैं 30 सेकेंड में इस मीन वैल्यू को कन्वर्ट करूंगा। 30 सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करें सर, आवर का मतलब मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 60 मिनट और सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 3600। सो वी विल राइट 240 डिवाइडेड बाई 60 × 60, ये पर सेकेंड हो गया। हमें कितने सेकेंड में चाहिए, 30 सेकेंड में। सो वी विल मल्टीप्लाई 30, दिस इज व्हीकल पर 30 सेकेंड। यही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, वो 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, उससे भी ज्यादा हाई गलतियां क्या होती है, जो मीन वैल्यू दिया हुआ है उसी मीन वैल्यूज को क्वेश्चन में कंसीडर कर लेते हैं। नहीं, मुझे उसमें कंसीडर करना है जो हमारा पर यूनिट टाइम इंटरवल के लिए प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। हमारा प्रोबेबिलिटी पूछने का यूनिट टाइम इंटरवल 30 सेकंड का है, तो मैं इस मीन वैल्यूज को 30 सेकंड के टाइम इंटरवल में कन्वर्ट करूंगा। 240 व्हीकल पर आवर, सो 30 सेकंड में कितने, 240 × 30 डिवाइडेड बाई 60 × 60। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो म्यू की जो वैल्यूज निकल कर आएगी वो 2 व्हीकल पर 30 सेकेंड निकल कर आएगा। दिस इज 2 व्हीकल पर 30 सेकेंड। अगर 2 व्हीकल पर 30 सेकेंड है और मुझे कितने व्हीकल की बात कर रहा है, 1 व्हीकल की बात कर रहा है, सो हम लोग लिखेंगे मुझे P1 चाहिए। P1 निकालने के लिए फार्मूला क्या है सर, P1 निकालने के लिए म्यू ई रेज टू माइनस म्यू, ऐसा फार्मूला है। μ × e^−μ कैलकुलेट करना है, इट मींस 2 × e^−2 कैलकुलेट करना है, म्यू की वैल्यू 2 है। कैलकुलेट कीजिए, ये अप्रोक्सीमेटली 0.27 आएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में जब हम लोग मीडियन और मॉड कैलकुलेट कर रहे थे 2 का यूज आया था, 0.27 वो मुझे याद है, तो 0.27 मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। यस 0.2706 समथिंग ऐसा कुछ होगा। यस वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा। ओके और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे। सो राइट डाउन द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2014। अ ट्रैफिक ऑफिस इंपोजेज On an average, 5 number of penalties. On different days, is independent and follows Poisson's distribution. The probability that there will be less than 4 penalties. There will be less than 4 penalties in a day is fill in the blank. Gate 2014 का क्वेश्चन है, 2 mark का क्वेश्चन है, Poisson distribution का most of the time 2 mark में क्वेश्चन आता है। किसी ट्रैफिक ऑफिस की बात हो रही है, वो पेनल्टी को इम्पोज करता है एवरेज मतलब मीन वैल्यूज। तो एवरेज कितने पेनल्टीज है, 5 penalties है ऑन डिफरेंट डेज। डेज में ये मीन वैल्यूज दिया हुआ है, मीन वैल्यू इज इक्वल टू 5 पर डे, एक दिन में वो 5 penalties करता है। हमें प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा कि किस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए पूछा है। फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, द प्रोबेबिलिटी डेट देयर विल बी लेस देन
फोर पेनाल्टीज, लेस देन फोर पेनाल्टीज, आर की वैल्यूज लेस देन फोर बोला गया है इन अ डे, डे की ही बात हो रही है, डे में मुझे मीन वैल्यू दिया हुआ है, डे की बात हो रही है, इट मीन मुझे मीन वैल्यूज में कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। तो अब मैं डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी पे आऊंगा कि मैं प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेता हूं। सर पी आर इज लेस देन फोर, आर इज लेस देन फोर की बात हो रही है मतलब मैं थ्री तक जाऊंगा, मैं लिखूंगा वन प्लस म्यू स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू इज टू, प्लस म्यू क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री, फैक्टोरियल थ्री इज सिक्स, ई रेज टू माइनस म्यू, म्यू की वैल्यूज फाइव, सो माइनस म्यू यहाँ पर लिख लेते हैं अभी, फिर म्यू की वैल्यूज फाइव सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, फाइव लिखा मैंने यहाँ पर, फाइव हो गया, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव, सो ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाई टू कीजिए, फाइव का क्यूब 125 डिवाइडेड बाई 6 कीजिए और e रेस टू माइनस 5 से मल्टीपल कीजिए। मैं सेपरेटली कैलकुलेट करता तो 1, 2, 3, 4 मुझे 4 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, अगर मैं सबको कंबाइंड कर रहा हूं तो मुझे एक कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, यहां पे अपना टाइम सेव होता है। सो कीजिए, ओके बहुत सारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलसी यूज करोगे आंसर आ जाएगा, वन प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय टू प्लस 125 डिवाइडेड बाय सिक्स, 39.33 इंटू ई रेज टू माइनस फाइव इंटू ई रेस टू माइनस फाइव, 0.265, 0.265 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ गया, जिनका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है वो अपना कैलकुलेशन चेक कर लो, 0.265 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन करते हैं, अब वो क्वेश्चन करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स की गलतियां निकल कर आती हैं, स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं समझने में, मैं वैसे क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चन को लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, सो वो टाइम को लेना और समझना क्वेश्चन में क्या पूछा है एंड उसके अकॉर्डिंग आंसर देना। क्वेश्चन का लैंग्वेज लंबा है इसलिए थोड़ा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन को लिखने में, सो राइट डाउन द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम गेट 2017, व्हीकल अराइविंग एट एन इंटरसेक्शन फ्रॉम वन ऑफ द अप्रोचिंग रोड, one of the approaching road follows the Poisson distribution the mean rate of arrival is 900 vehicle per hour if a gap is defined as the time difference, gap is defined as a time difference between two successive vehicle arrivals, the probability अप टू, देखो एक्यूरेसी पूछा है, अप टू फोर डेसिमल प्लेस, फोर डेसिमल प्लेस में आंसर देना है अपने को, अप टू फोर डेसिमल प्लेस, प्रोबेबिलिटी अप टू फोर डेसिमल प्लेस डेट
गैप इज ग्रेटर देन, गैप इज ग्रेटर देन 8 seconds, गैप इज ग्रेटर देन x सेकेंड्स इज फिल इन द ब्लैंक। अब आपको इस चीज को समझना है, पूरे जो दिया हुआ स्टोरी है उसको समझिए। मीन वैल्यूज तो यहां पर पूरा डिफाइन करके दिया हुआ है कि मीन वैल्यू इज 900 व्हीकल पर आवर, तो मैंने सबसे पहले इसको लिख लिया 900 व्हीकल पर आवर मुझे मीन वैल्यूज है। प्रोबेबिलिटी किस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया गया है, प्रोबेबिलिटी जो पूछा है वो किस यूनिट टाइम इंटरवल के लिए पूछा है वो आपका जवाब होना चाहिए। पहले आप मुझे बताइए कि किस यूनिट टाइम इंटरवल पे मुझे वर्क करना है। ओके ताजिला, आप बोल रहे हो कि 1 - p4 - p5 करके कर सकते हैं क्या? मैंने आपको क्या बताया कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनफाइनेटली एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन है। आपने कैसे मान लिया कि लास्ट जो होगा वो 5 ही होगा? अगर किसी क्वांटिटी का एवरेज वैल्यू 5 है, इट डजंट मीन कि मैक्सिमम नंबर 5 है। समझ रहे हो मेरी बात को? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एवरेज वैल्यू 5 है, इट डजंट मीन कि मैक्सिमम वैल्यूज 5 है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ इनफाइनेटली एक्सटेंडेड डिस्ट्रीब्यूशन। सो आप जो प्रीवियस क्वेश्चन में गलती कर रहे हो कि मुझसे बोला गया है लेस देन 4 निकालने के लिए, तो मैं 1 माइनस करके कर लूं, ये नहीं पॉसिबल होगा। अगर मैं 1 माइनस लिखूंगा तो 1 माइनस क्या लिखूंगा, पी आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। आप ऐसा लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 1 - p4 - p5 - p6 - p7 करते रहो, कहां तक सब स्ट्रैक करोगे? नहीं कर सकते ऐसा, ये गलती बिल्कुल नहीं करना पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में। बाइनोमियल में हम वैसा कर सकते हैं, बाइनोमियल में इसलिए करते हैं क्योंकि वो नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स होता है 10 टाइम 20 टाइम, तो हम वहां पर वैसा कर सकते हैं। अगर मैं यहां पे ऐसा कर दिया, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इनफाइनेटली एक्सटेंडेड है, हम इसको टर्मिनेट ही नहीं कर पाएंगे। एट सेकेंड है, वेरी गुड, सेकेंड नहीं बोलेंगे। आप लोग यही तो गलती करते हो यार। कुछ लोग प्रीवियस एक क्वेश्चन किया था उसमें 30 सेकेंड्स लिखा हुआ था, हमने 30 सेकेंड्स लिया था, हमने सेकेंड नहीं लिए थे, हमने 30 सेकेंड लिया था। यहां पर यूनिट टाइम इंटरवल क्या है सर, 8 सेकेंड बोला है मैं, 8 सेकेंड हमारा पर यूनिट टाइम इंटरवल होगा। मैं स्टार्टिंग से इसी चीज पे रिजिड हो रहा कि मैं एक कॉर्नर पे खड़ा हूं, मेरे पर यूनिट टाइम इंटरवल पे कितने बाइक वहां पे क्रॉस कर रहे हैं मैं उसको काउंट कर रहा हूं। पर यूनिट टाइम इंटरवल डिसाइड करने वाला मैं हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग 1 आवर लूंगा, अपने अकॉर्डिंग 30 मिनट लूंगा, अपने अकॉर्डिंग 30 सेकेंड लूंगा। तो जिसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा हम उसके टाइम इंटरवल में जाएंगे। प्रोबेबिलिटी 8 सेकेंड के लिए पूछा गया है, इट मींस हमारा टाइम इंटरवल 8 सेकेंड का है। नाउ माय टाइम इंटरवल इज ऑफ 8 सेकेंड, सो 8 सेकेंड में कितने व्हीकल क्रॉस करेंगे ये कैलकुलेट कीजिए। सो म्यू इज इक्वल टू 900 / 60 × 60 × 8, 8 सेकेंड में कितने व्हीकल पास करेंगे पर 8 सेकेंड। So now this will be 2. So 2 vehicle per 8 second. अब मुझे जो भी म्यू की वैल्यू यूज करनी है वो 2 यूज करनी है। ओके अब क्वेश्चन को पढ़ता हूं फिर से। अ गैप इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव व्हीकल अराइवल्स। एक व्हीकल यहां पे है, दूसरा व्हीकल यहां पे है, इसके बीच में एक गैप है, इस गैप में कितने व्हीकल हैं? दो सक्सेसिव व्हीकल अराइवल के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको गैप से डिफाइन किया है। एक व्हीकल यहां पर है, एक व्हीकल यहां पर है, इसके गैप में कितने व्हीकल हैं? दीज आर कंसेक्यूटिव, ये जाएगा तो ये दूसरा इंटर करेगा, तो इसके बीच में गैप है, वो गैप में कितने व्हीकल हैं? मैंने आपको पहले बता दिया गैप की मैं बात करूंगा तो गैप में मैं 9 व्हीकल लूंगा, 0 व्हीकल होगा। ये बाहर है, क्या बोला गया है? देखो, अ गैप इज डिफाइंड एज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव व्हीकल अराइवल्स, 2 व्हीकल पास होगा, एक जाएगा तो दूसरा आएगा, इसके बीच में गैप है, गैप में कुछ नहीं है। इट मींस आर की वैल्यूज मुझे क्या लेनी है, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0, मुझे आर की वैल्यू 0 लेनी है। मुझे इसके लिए प्रोबेबिलिटी पूछा है तो मैं लिखूंगा सर मुझे P0 बोला है, और P0 की वैल्यू व्हाट सर, P0 की वैल्यूज e रेस टू माइनस म्यू,
मैंने फार्मूला कहीं पे यूज ही नहीं कर रहा हूँ, ई रेस्ट टू माइनस म्यू म्यू रेस्ट टू आर अपॉन फैक्टोरियल आर, मैं डायरेक्टली उस वाले वैल्यू पे चला जाता हूँ, पी जीरो ई रेस्ट टू माइनस म्यू। तो ई रेस्ट टू माइनस म्यू, म्यू की वैल्यू टू, ई रेस्ट टू माइनस टू, ई रेस्ट टू माइनस टू की वैल्यू वाट सर, ई रेस्ट टू माइनस टू की वैल्यू 0.135 होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ई रेस्ट टू माइनस टू पे क्वेश्चन आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। ये वैल्यूज मुझे याद अगर रहेगा ना तो एग्जाम में मुझे कैलसी यूज करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये वैल्यूज तो खासतौर पे ध्यान में रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम म्यू जो निकल कर आता है वो टू निकल कर आता है, वो ऐसे क्वेश्चन बना कर देते हैं। सो ई रेस्ट टू माइनस टू की वैल्यूज 0.135 आ गई। यस वेरी गुड। फोर डेसिमल प्लेस तक बोला है तो फोर डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करके देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है फोर डेसिमल प्लेस, तो मैं वो कैलकुलेशन कर लेता हूँ। फोर डेसिमल प्लेस कितने आ रहे हैं, ई रेस टू माइनस टू 0.1353, फोर डेसिमल प्लेस तक 0.1353 बोलेंगे। वेरी गुड। तो यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको कंप्लीट किए हैं, फिर भी एक दो क्वेश्चंस मैं ऐसे करवा देता हूँ जो गेट में पूछा हुआ है और जिसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा अकवर्ड फील कर जाते हैं। देखते हैं कि आप लोग, गेट का ही क्वेश्चन है, ईयर में नहीं बता पाऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली याद नहीं है। सो जस्ट मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूँ और आपको बताना है कि आंसर क्या है। क्वेश्चन, इफ एक्स इज अ Poisson's distributed random variable with variance five, what is expectation of x? फास्ट आंसर बताइए जल्दी, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यस वेरी गुड वेरी गुड। हम लोगों ने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ रखा है कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मीन वैल्यू होता है, दैट इज मीन वैल्यू इज इक्वल टू म्यू होता है। और उसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको ये चीज भी डिफाइन करके दिया है कि उसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरियंस जो निकल कर आता है, एंड डेट वेरियंस इज ऑल्सो म्यू। स्टैंडर्ड डिविजन क्या होता है सर, स्टैंडर्ड डिविजन इज स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। तो ऐसे चीजें जो है ना वो मुझे ध्यान में होना चाहिए। अगर ये चीजें मुझे ध्यान में रहेगी तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। मीन वैल्यू म्यू, वेरियंस म्यू, स्टैंडर्ड डिविजन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू। एक क्वेश्चन और बनता है इसके ऊपर। राइट ऑन द क्वेश्चन, इफ x is a Poisson distributed random variable, with second moment about the origin equal to 2, then a mean value of x is equal to two, b expectation of x is equal to 1, c variance is equal to 1, variance of x is equal to 1, d
अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू आंसर कौन कौन सा सही है कौन कौन सा सही है एमएसक्यू मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन ओके सर सेकेंड मोमेंट हमने पढ़ा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन होता है दैट इज नथिंग बट म्यू इनटू म्यू प्लस वन एंड म्यू इनटू म्यू प्लस वन जो दिए हुए हैं वो टू दिए हुए हैं म्यू इनटू म्यू प्लस वन की वैल्यू टू है तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी सर ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है म्यू की वैल्यूज वन होगी वन इंटू वन प्लस वन वन इंटू टू इज इक्वल टू टू म्यू की वैल्यूज वन है तो म्यू की वैल्यूज वन है मीन वैल्यूज वन आ गया मीन वैल्यू को ही हम लोग एक्सपेक्टेशन बोला करते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज वन यस दिस इज द करेक्ट आंसर मीन वैल्यूज ऑफ एक्स इज टू नहीं ये गलत है वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन वैल्यूज और वेरियंस दोनों इक्वल होते हैं सो वेरियंस भी सेम है अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस वेरियंस वन है अ स्टैंडर्ड डेविएशन रूट टू नहीं हो सकता आंसर इज बी एंड सी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में यहां पे फिनिश कर रहा हूं कुछ लोग ए और डी बोल रहे हैं पता नहीं कहां से आंसर लेकर आए ए एंड डी सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन जो आया वो टू है सेकेंड मोमेंट अबाउट द ओरिजिन इज म्यू इनटू म्यू प्लस वन और वो टू निकल कर आया तो म्यू की वैल्यूज वन आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एक्स इज अ पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल रैंडम वेरिएबल देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऑप्शन ए इज एनी रियल नंबर ऑप्शन बी इज एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑप्शन सी इज एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर डी इज एनी रेशनल नंबर बताइए ओके वेरी गुड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन वैल्यूज की बात कर रहे थे तो मीन वैल्यूज क्या हो सकता है व्हाट कैन बी अ मीन वैल्यूज रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर एनी रेशनल नंबर क्या हो सकता है थोड़ा सा इसमें मैं चेंज कर लेता हूं एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर कर लेता हूं एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर मीन वैल्यूज इज एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर मीन वैल्यूज की बात हो रही है एक्सपेक्टेशन की बात हो रही है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मीन वैल्यूज क्या हो सकता है एनी रियल नंबर रियल नंबर में पॉजिटिव भी आएंगे निगेटिव भी आएंगे क्या मीन वैल्यूज निगेटिव हो सकता है अगर हमारे पास कोई नंबर्स हैं फर्स्ट टाइम इंटरवल में जीरो व्हीकल दूसरे टाइम इंटरवल में वन व्हीकल तीसरे टाइम इंटरवल में टू व्हीकल नेक्स्ट टाइम इंटरवल में फोर व्हीकल देर आर फोर यूनिट टाइम इंटरवल और व्हीकल का काउंट फोर प्लस टू प्लस वन सेवन सेवन डिवाइडेड बाई फोर इज अ रेशनल नंबर सेवन डिवाइडेड बाई फोर इज अ रेशनल नंबर दैट इज नॉट अ इंटीजर सो मीन वैल्यूज अभी इतने सारे क्वेश्चन किए हैं यार आप लोग ने इतने सारे क्वेश्चन किए 240 व्हीकल पर आवर अगर जिसमें मुझे प्रोबेबिलिटी पूछा है
अगर वो यूनिट टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का हो या 1 मिनट का हो, तो इस मीन वैल्यूज को 1 मिनट में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा? 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूंगा? सर 1 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए आप 60 से डिवाइड कर लोगे। मैंने इस 240 को 60 से डिवाइड कर लिया, सो 60 से डिवाइड किया तो 4 आया, तो ये हो गया पर मिनट। अगर मुझे पर सेकंड में पूछा है तो क्या करूंगा? सर इसी को पर सेकंड में पूछोगे तो 4 को मैं फिर से 60 से डिवाइड करूंगा, दिस विल बी व्हीकल पर सेकंड, पर सेकंड डिवाइड करूंगा 1/15 आएगा, 1/15 आएगा, डेट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, डेट इज नॉट द इंटीजर वैल्यू। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग द आंसर एज एनी नॉन निगेटिव इंटीजर, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गिविंग नॉन निगेटिव इंटीजर। नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब आप जीरो को भी कंसिडर कर रहे हो। मैंने आर की वैल्यूज नहीं पूछी आपसे, मैंने पूछा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, मैंने आपसे पूछा मीन वैल्यू क्या होगा। अगर जीरो को आप मीन वैल्यूज ले लोगे, मतलब आगे जितने भी व्हीकल आ रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, तभी तो मीन वैल्यू जीरो आएगा। एवरेज वैल्यू जीरो कब आएगा? हम निगेटिव तो कंसिडर ही नहीं कर सकते। एक यूनिट टाइम इंटरवल पे -2 व्हीकल गया, नहीं भैया ये नहीं चलेगा। एक व्हीकल, दो व्हीकल, जीरो व्हीकल, ये चलेंगे। निगेटिव व्हीकल ये काउंट नहीं होगा। मीन वैल्यू जीरो हो रहा है मतलब आगे सारा नंबर जीरो है। जब आगे सारा नंबर जीरो है तो पढ़ क्यों रहे हैं हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन? जीरो तो कंसिडर ही नहीं होगा मीन वैल्यूज के लिए, तो जीरो कंसिडर नहीं करना है। नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर होगा इसकी क्या गारंटी है? इंटीजर होगा इसकी क्या गारंटी है? अपोजिटिव रेशनल नंबर, अपोजिटिव रेशनल नंबर। सो लिख लीजिए, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैंने मीन वैल्यूज म्यू लिखाया है, दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वहां पे लिख लीजिए ताकि गलतियां ना हो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बोल रहे हैं नॉन निगेटिव इंटीजर, क्योंकि वो आर के ऊपर फोकस कर दिए। उन लोगों ने क्या सोचा, सर तो आर पूछ रहे हैं, आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3। मैं आर नहीं पूछ रहा हूं, मैंने पूछा एक्सपेक्टेशन क्या होगा, मीन वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन में, गेट में क्वेश्चन पूछे हैं जिसमें मीन वैल्यू दिया हुआ है, मीन वैल्यू इज 5.2। क्वेश्चन पूछा है गेट में जिसमें मीन वैल्यू दिया हुआ है 5.2। 5.2 इज व्हाट, इंटीजर? नो सर, दिस इज नॉट इंटीजर, दिस इज अ रेशनल नंबर। सो दैट विल बी अ एनी पॉजिटिव रेशनल नंबर। मीन वैल्यू जो भी होगा, एक्सपेक्टेशन जो भी होगा, इज पॉजिटिव रेशनल नंबर होंगे। इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, मना किसने किया? इंटीजर इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। एक ही आंसर सही है इसमें, बाकी कोई नहीं बोलेंगे? रियल नंबर, रियल नंबर कैसे बोलूं मैं? निगेटिव होगा क्या मीन वैल्यू? मीन वैल्यू एक्सपेक्टेशन निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा, नहीं बोलेंगे। इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही होगा क्या? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर भी होगा क्या? क्या 2/3 नहीं हो सकता क्या? 5/6 नहीं हो सकता क्या? हो सकता है सिर्फ पॉजिटिव? नहीं, ये भी नहीं चलेगा। Is any non-negative integer? उसी तरीके की बात हो रही है। Is positive rational number? हाँ, ये चलेगा। Okay, कुछ लोग बोल रहे हैं सर B गलत भी तो नहीं है ना, Is any positive integer? आप मल्टीपल सेलेक्ट की तरफ जा रहे हो। अगर मेरे पास क्वेश्चन मल्टीपल सेलेक्ट लिखा हुआ होगा तो हम कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे अगर मल्टीपल सेलेक्ट का क्वेश्चन हुआ? स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर अगर एमएसक्यू इसको बना दो तो मैं आंसर क्या दूंगा? तो मैं यहां पर लिखूंगा ऐसा, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, देन 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, which of the following is oblique r can be या may be correct, may be correct, मैं ऐसा करूंगा। अब is oblique r एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैं बोलूंगा real number, is any real number? हाँ, हो सकता है real number, real number हो सकता है, क्योंकि बोला है क्या may,
तो हो सकता है, तो हम इन सब चीजों पे नहीं जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन करेगा तो वो डेफिनेटली डिफाइन करके पूरा अच्छी तरीके से लैंग्वेज रखेगा कि क्या करना है अपने को। सिंपली आप ये चीज ध्यान में रखना, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जहां कहीं भी चैप्टर होगा उसमें आपको ऐसा मेंशन करेगा म्यू इज ग्रेटर देन जीरो, बस मुझे ये चीज ध्यान में रखना है, मीन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। यस यस, जब मैं उस तरीके से बोलूंगा ना कि मल्टीपल सेलेक्ट पे चला जाऊंगा विच ऑफ द मे बी करेक्ट, तो रियल नंबर भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, हाँ इंटीजर भी हो सकता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, हाँ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल नंबर भी हो सकता है, हाँ रेशनल नंबर भी हो सकता है, मे बी करेक्ट, कुछ चीजें उससे आउटसाइड हो जाएगी। ऑलवेज करेक्ट, अगर उसी क्वेश्चन में मैं कर दे दूंगा ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज करेक्ट, तो ऑलवेज करेक्ट का वर्ड फिर चेंज हो जाएगा। क्या ऑलवेज रियल नंबर होगा? नहीं, ऑलवेज रियल नंबर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर नहीं हो सकता। ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर होगा? नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर हो वो जरूरी नहीं है, डेसिमल भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, सो ऑलवेज वो नहीं हो। तो ये ऑलवेज वर्ड आ गया तो फिर क्वेश्चन फिर से ट्विस्ट हो गया। क्वेश्चन के लैंग्वेज पकड़ना बहुत जरूरी है। राइट डाउन नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूअस की बात आ रही है, देखो कंटिन्यूअस कैसे समझते हैं। अभी तक हमने जितने भी प्रोबेबिलिटी मॉडल कवर किए हैं वो सारे के सारे प्रोबेबिलिटी मॉडल जो हैं वो डिस्क्रीट हैं। मैंने कुछ ऐसे ही बात किया, एक क्वाइन को एक बार टॉस कर रहा हूं, दो बार टॉस कर रहा हूं, तीन बार टॉस कर रहा हूं, डिस्क्रीट नंबर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, वन टू थ्री। मैंने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात की, मैंने बोला कि एक भी व्हीकल पास नहीं हो रहे, वन व्हीकल जा रहा है, टू व्हीकल आ रहे हैं, थ्री व्हीकल आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर आ रहे हैं, ऑल दीज आर डिस्क्रीट नंबर, सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। जब भी हम लोग कुछ इस तरीके की बात करेंगे, हाउ मच रेनफॉल हैव अकर्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के मंथ में कितने रेनफॉल हुए, तो कोई ऐसा बोलेगा क्या एग्जैक्टली 4 mm का रेनफॉल हुआ है? नहीं, दे विल गिव अ रेंज समथिंग कि रेनफॉल इतने mm से इतने mm तक हो सकता है या हुआ होगा। तो प्रोबेबिलिटी विथ एसोसिएटेड विथ, प्रोबेबिलिटी एसोसिएटेड विथ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी मॉडल बनता है उसके लिए कंटिन्यूअस डेटा की जरूरत होती है। सो मैंने यहां पर लिखा पी एक्स, ए कैपिटल एक्स है और यहां पर स्मॉल एक्स लिख रहा हूं, इज इक्वल टू एफ एक्स एक्स। ओके, तो एक्स इज द रैंडम वेरिएबल, Px is the probability function, Fx is the probability function. इस probability function का कुछ specific name है, जैसे discrete probability में हम लोग probability mass function बोला करते थे, probability mass function बोलते थे, क्योंकि अगर quantity एक साथ gather होती है, जो discrete number है एक साथ gather होती है, तो हम उसको बोलते हैं mass जमा हो रहा है। उसी तरीके से अगर continuous data एक जगह पे जमा हो रहा है, कंटिन्यूअस डेटा एक जगह जमा हो रहा है, तो हम उसको किस वर्ड से जानते हैं? आपके आंसर होना चाहिए, यस, वेरी गुड वेरी गुड, दैट विल बी द डेंसिटी फंक्शन। डेंसिटी फंक्शन हम लोग क्या बोलते हैं, भाई यहां पर ना बहुत ज्यादा डेंस हो गया है। किसकी बात है? अगर सपोज कि कहीं पे एयर बहुत ज्यादा जमा हो गया, तो मैं बोलूंगा यहां पर एयर की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अहमदाबाद में ना आज पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज्यादा है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन डेंस हो गया है, तो इस तरीके की कुछ बातें कर सकते हैं। डेंसिटी की बात करेंगे हम लोग। सो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो कंटिन्यूअस से एसोसिएटेड वर्ड है डेंसिटी और डिस्क्रीट से एसोसिएटेड वर्ड है मास, सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और इसी को शॉर्ट में लिखा करेंगे PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। ओके, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन करेगा, एक्स की किन वैल्यूज के लिए डिफाइन करेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के लिए एक्स की वैल्यूज क्या होगी, बोलिए आपका आंसर होना चाहिए, वेटिंग फॉर योर आंसर, व्हाट शुड बी द वैल्यू, एनीवन?
एनीवन कोई नहीं, कोई तो दे दो आंसर। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एक्स की किस वैल्यू के लिए डिफाइन करेगा? कुछ लोग 0 to n बोल रहे हैं। भैया n की बात कैसे कर रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, ये n क्या है? डिस्क्रीट नंबर है। हम लोग कौन सा प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं? कंटिन्यूअस। तो n की तो बात ही नहीं होगी मेरे भाई, n की बात कैसे कर सकते हैं? हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन की बात कर रहे हैं। आप कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस पे बनाओगे तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं कंटिन्यूअस फंक्शन बनाऊं तो कंटिन्यूअस फंक्शन कहां से कहां तक बना सकते हो? सर माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। तो यहां पर जो एक्स की वैल्यूज होगी, दैट वैल्यू ऑफ एक्स विल कवर द इंटायर एक्स एक्सिस। सो वी विल राइट माइनस इंफिनिटी इज लेस देन एक्स इज लेस देन इंफिनिटी। एक्स की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जाएगी। ओके, नाउ फर्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी? अगर प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो वो 1 होता है। डिस्क्रीट में हम सिग्मा का नोटेशन लगाते थे, जैसे P0, P1, P2 ऐसे ऐड किया करते थे। कंटिन्यूअस में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी का समेशन करना है तो प्रोबेबिलिटी में समेशन करने के लिए कंटिन्यूअस के टर्म में मैं इंटीग्रेशन का यूज करूंगा। सो अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो कहां से कहां तक करूंगा? सर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। सो वी विल इंटीग्रेट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। वी विल राइट जो फंक्शन है उसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और ये इंटीग्रेशन अगर 1 निकल कर आ रहा है, देन वी विल से दैट दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अगर सपोज कोई क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन किया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, फॉर 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड अदरवाइज, ऐसे कुछ लिखा है। यहां पर कोई फंक्शन लिख दिया के एक्स और यहां पर लिख दिया 0। अब अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो कहां से कहां तक करूंगा? सर अदरवाइज तो 0 है, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे तो वो 0 लिख दोगे वहां पर, उसमें तो हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो 0 to 1 में इंटीग्रेशन होगा। मैं जो ये माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिख रहा हूं, इसकी जगह पे मैं 0 to 1 इंटीग्रेशन करूंगा। किसका करूंगा? के एक्स का करूंगा। के एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और वो वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर ये वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये 1 आना चाहिए, और वो 1 निकालने के लिए मुझे के का वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, और उससे मुझे के की वैल्यूज निकल कर आएगी। तो ऐसे वैलिड प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन गेट में कम से कम तो 10 से 15 मिल जाएंगे आपको। मैं कराऊंगा आपको वैलिड वाले। सेकेंड वन, हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स डिस्क्रीट के टर्म में हम लोग एक्स पी एक्स लिखा करते थे। सिग्मा का मतलब कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन होता है। सो वी विल राइट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स एफ एक्स डी एक्स, दिस इज एक्सपेक्टेशन। ओके, अगर मुझसे कोई सेकेंड मोमेंट की बात कर रहा होगा तो सेकेंड मोमेंट में लिखूंगा ई एक्स स्क्वायर, और ई एक्स स्क्वायर की वैल्यूज क्या होगी सर? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, जो भी नंबर यहां पे होगा वो नंबर यहां पे लिखूंगा एक्स स्क्वायर एफ एक्स डी एक्स। ये हो गया सेकेंड मोमेंट। सर वेरिएंस कैसे निकालेंगे? वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला तो प्री डिफाइंड है। सर सेकेंड मोमेंट माइनस फर्स्ट मोमेंट का स्क्वायर, सेकेंड मोमेंट माइनस दिस इज फर्स्ट मोमेंट स्क्वायर, सो दिस इज वेरिएंस। सर स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे? अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो उसका भी फार्मूला फिक्स है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस। राइट डाउन दिस वन, देन वी विल स्टडी अबाउट मीडियन एंड मोड। मैं मीडियन एंड मोड पढ़ूंगा। लेक्चर कब तक खत्म होगा? ऑनलाइन लेक्चर है भैया, ऑनलाइन लेक्चर है ना, आप फ्री हो मूव करने के लिए। मैंने रोका कभी? मैं अपने क्लासरूम में कभी किसी को नहीं बोलता। कोई बोलता है सर कब तक लेक्चर होगा, हम क्या, आपकी मर्जी भाई, कब तक लेक्चर बैठना है, आपकी इच्छा है, बैठना है बैठिए, नहीं बैठना है जा सकते हो। टाइमिंग तो पहले से दिया हुआ है, 11:30 to 1:30 टाइमिंग तो पहले से दिया हुआ है ना हमने। लिख लिया सबने? से यस और नो। ओके, नाउ
वी विल लर्न टू कैलकुलेट द मीडियन एंड मोड. ओके, वी विल लर्न टू कैलकुलेट मीडियन एंड मोड फॉर अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. सो राइट डाउन मीडियन फॉर कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल. Continuous random variable having probability density function है px x is equal to f x x. This is the probability density function. और ये probability density function किसी minus infinity to infinity के लिए define हो रहा है. Okay, तो इसके लिए मुझे median को calculate करना है. Graphically आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. Suppose there is a probability density function like this one. Okay. So, ये probability density function जो है वो minus infinity से plus infinity तक define कर रहा है. अगर आपका question 0 to 1 के लिए define कर रहा है तो मैं यहां से लिखूंगा 0 to 1 के लिए define हो रहा है. Okay. So, now I want to know what will be the integration from minus infinity to infinity for this function. अगर मैं इस फंक्शन अगर ये वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन मैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिए कर दूं तो इसकी वैल्यूज कितनी निकल कर आएगी. सर इसकी वैल्यूज 1 निकल कर आएगी. मीडियन क्या करता है? सर मीडियन पूरे इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेता है. कैसा इक्वालिटी? वैसी इक्वालिटी जो आधी प्रोबेबिलिटी एक साइड में हो जाए और आधी प्रोबेबिलिटी दूसरी साइड में हो जाए. सो वी विल से दैट मुझे x की वो वैल्यू चाहिए. मुझे x की वो वैल्यू चाहिए. X is equal to m, m is the median. M is equal to median. मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे. अगर पूरा एरिया 1 यूनिट का है तो आधी एरिया 0.5 यूनिट का होगा और बाकी के बचे एरिया भी 0.5 यूनिट के होंगे, तभी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा. और वो x की वैल्यू जो पूरे इंटरवल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है वो हमारा मीडियन कहलाएगा. सो मीडियन को निकालने के लिए हम कुछ ऐसा करेंगे, लोअर लिमिट से इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, किसी x इज इक्वल टू m तक जाएंगे. m तक गया, किसका इंटीग्रेशन करना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का. सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx है, fx dx किया और ये एरिया कितना कवर कर रहा है? 0.5. मैं लिखूंगा कि इससे जो m की वैल्यूज निकलेगी दैट विल बी द मीडियन. और अगर मैं इस पॉइंट से m तक इंटीग्रेशन किया 0.5 आया तो मैं बोलूंगा m से इंफिनिटी तक जाऊं तब पर भी 0.5 आएगा. सो somehow ये भी सही होगा कि मैं m से इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन करूं तो ये वैल्यूज भी निकलकर 0.5 ही आना चाहिए. तो यहां पर जो m है उसको हम लोग मीडियन बोला करेंगे कि ये मीडियन ऑफ x है. राइट डाउन दिस वन. वेरी गुड. गेट में क्वेश्चन पूछा है, मैं कराऊंगा इन सब चीजों पे, मीडियन पे, मॉड पे क्वेश्चन कराऊंगा. आपको समझ कर रखना है कि मीडियन क्या मैं बोल रहा हूं, मॉड क्या मैं बोल रहा हूं. Write down a question. If lifetime of an electric bulb is a random variable capital X having probability density function given by fxx is equal to kx square 0 is less than equal to x is less than equal to 1,
वाट इज द मिड लाइफ, वाट इज द मिड लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब, उस इलेक्ट्रिक बल्ब की मिड लाइफ क्या होगी? मिड लाइफ मतलब मीडियन की बात कर रहा है वो, मीडियन लिख लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, मीडियन लाइफ, मीडियन लाइफ ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर से डिनोट किया जा रहा है, जो जीरो से वन तक एक्स वेरी कर रहा है। इट मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब का मैक्सिमम लाइफ टाइम वन ईयर का है, मिनिमम लाइफ टाइम जीरो ईयर का है। ईयर में लिख लो लाइफ टाइम इन ईयर, ब्रैकेट में लिख लो इन ईयर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये ईयर में दिए हुए हैं। के एक्स स्क्वायर जीरो टू वन एक्स ईयर, जीरो टू वन मैक्सिमम लाइफ टाइम वन ईयर का है और मिनिमम लाइफ टाइम जीरो ईयर का है। तो पूछा जा रहा है कि मीडियन लाइफ टाइम क्या होगा। सो एक मुझे तो यहां पर कॉन्स्टेंट नजर आ रहा है के, हमारा पहला टास्क होना चाहिए कि उस के को फाइंड आउट करके बता दो कि के क्या है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हमें एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे के एक्स स्क्वायर में के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को मैं वैलिड बनाऊंगा। वैलिड होने के लिए इससे जो एरिया कवर्ड होगा, दैट एरिया शुड मस्ट बी इक्वल टू वन, इससे कवर होने वाला एरिया वन होना चाहिए। कहां से कहां तक प्रोबेबिलिटी फंक्शन डिफाइन है? जीरो टू वन। सो वी विल से दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू वन के एक्स स्क्वायर डीएक्स इट शुड मस्ट बी इक्वल टू वन, ये वन होना चाहिए। इंटीग्रेशन जीरो टू वन क्यों सर? डिफाइन जीरो टू वन किया है इसलिए मैं जीरो टू वन में लिख रहा हूं। ओके ये के एक्स स्क्वायर कहां से आया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के एक्स स्क्वायर है वो लिखा है मैंने। इसका इंटीग्रेशन वन क्यों लिया? क्योंकि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी वन होना चाहिए इसलिए मैंने ये वन लिया है। अब इसका इंटीग्रेशन वन करते हैं। के एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इज के एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री, इंटीग्रेशन इज फ्रॉम जीरो टू वन इज इक्वल टू वन। सॉल्व और भी करते हैं इसको, मैंने और भी ज्यादा सॉल्व किया, मैं इसको लिखूंगा के डिवाइडेड बाई थ्री इज इक्वल टू वन, डेट इम्प्लाई के इज इक्वल टू थ्री, के की वैल्यूज थ्री निकल कर आई। ओके के की वैल्यूज अगर थ्री निकल कर आई है तो मैं लिखूंगा कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, नाउ डेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज थ्री एक्स स्क्वायर फॉर जीरो इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू वन ईयर, ये ईयर्स में है, मैंने एक्स को ईयर में लिखा था वहां पे। ओके नाउ वी आर मोर इंटरेस्टेड टू फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। सो इलेक्ट्रिक बल्ब का अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है तो मैं इंटीग्रेशन लोअर लिमिट से स्टार्ट करूंगा। लोअर लिमिट क्या है? जीरो। मैंने जीरो से स्टार्ट किया, कहां तक जाऊंगा? सर एम तक जाओगे और यही एम मीडियन होगा। किसका इंटीग्रेशन करना है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन का, थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। और ये इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए मीडियन लाइफ टाइम के लिए? हाफ, दैट इज पॉइंट फाइव, हाफ लिख लो इसको। थ्री एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करूंगा, एक्स क्यूब आएगा, जीरो टू एम इज इक्वल टू वन बाई टू, डेट इंप्लाई एम क्यूब, एम क्यूब की वैल्यूज वन बाई टू है, तो एम की वैल्यूज कितनी हो गई? वन बाई टू का वन बाई थ्री पावर। इसको पॉइंट में निकलेगा, पॉइंट में निकाल लो कितने आ रहे हैं। सो सम ऑफ द पीपल आर सेइंग 0.8, सम ऑफ द पीपल आर सेइंग 0.793, दैट इज समथिंग अप्रोक्सीमेटिंग यू आर डूइंग। ओके सो वी विल राइट 0.5 रेस टू 1 डिवाइडेड बाय 3.793, ओके 0.793 इज द आंसर फॉर दिस वन। और ये ईयर्स में मैं बोलूंगा क्योंकि हमारा ईयर्स में दिया हुआ था, तो ईयर में मैं बोलूंगा 0.793 ईयर इज द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब। नाउ वी विल कंसीडर द मॉड, हाउ टू कैलकुलेट द मॉड ऑफ द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ओके सो राइट डाउन मोड ऑफ अ कंटिन्यूअस, करने के बाद वन आएगा। मैं दोनों को कंपेयर किया कि कहां पर सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट हो रहा है। सर ये जो लाइन है यहां पे मैक्सिमम हाइट हो रहा है। देयर आर टू मोड, लेट से एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, देयर आर टू मोड। इट मीन दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ए बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें दो दो मोड है। सर दो से ज्यादा भी मोड हो सकता है? यस देयर आर, देयर मे बी
मल्टीपल मोड. अब मल्टीपल मोड की बात मैं कैसे करूं, लेट्स से दिस इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल ए टू बी, एंड इसका एरिया कैलकुलेट किया और ये एरिया वन निकल कर आया. एरिया वन है, इट मीन दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अगर ये वैलिड है तो मैंने पूछा मैक्सिमम डेंसिटी कहां पर है. सर कोई भी पॉइंट ले लो, सब पे वैल्यूज एक ही है, मैक्सिमम क्या. इट मीन्स एनी वैल्यूज लाइज बिटवीन ए टू बी ऑल आर मोड. एनी वैल्यूज लाइज बिटवीन ए एंड बी ऑल आर मोड. मोड सारे वैल्यूज हैं, मुझे कोई भी डिस्कशन नहीं करना है. सो मोड एक से ज्यादा वैल्यूज होगा, स्पेशल केस में होगा, इन जनरल हम मोड कैलकुलेट कर लिया करेंगे. सो देखते हैं मोड के लिए क्या करेंगे. सो लेट्स से एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ है, पीडीएफ दिया हुआ है, एंड वो पीडीएफ जो है वो डिफाइन हो रहा है एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू किसी एक्स की वैल्यूज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी के बीच में. हो सकता है ए टू बी के बीच में भी डिफाइन कर रहा हूं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. मैंने मैक्सिमम ले लिया माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, तो मॉड क्या होगा. देन मॉड ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एट विच एफ ऑफ एक्स इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू. एफ ऑफ एक्स इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल. इन द गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी डिफाइन किया है उस इंटरवल में एक्स की जिस वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यूज मैक्सिमम होगा, एक्स की जिस वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यूज मैक्सिमम होगा उसको ही हम लोग मॉड बोला करेंगे, उसको ही हम लोग मॉड बोला करेंगे. तो मॉड ऑफ एक्स इज द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर विच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज मैक्सिमम इन द गिवन इंटरवल. उस दिए हुए इंटरवल में मैक्सिमम होना चाहिए. एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, क्या रिपीट करना है भाई बोलिए, क्या रिपीट करना है. नेटवर्क गया नहीं. रिपीट करने की बात हो रही है, स्टार्टिंग से रिपीट करूं. स्टार्टिंग से ओके. इसमें अगर मुझे किसी रैंडम वेरिएबल का मॉड निकालना है, किसी रैंडम वेरिएबल का मॉड निकालना है, तो उस मॉड के लिए सबसे पहले हम लोग जाएंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पे. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन देखेंगे. लेट्स से कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो एफ एक्स एक्स है. दिस इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. अब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिफाइन कहां से कहां तक किया गया है. मैंने जनरलाइज लिया माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अगर आपके क्वेश्चन में 0 टू 5 है तो आप 0 टू 5 लोगे, अगर 0 टू 1 है तो वो 0 टू 1 लोगे. मैंने जनरलाइज लिया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. मैं बोलूंगा कि किसी रैंडम वेरिएबल x का मॉड x की वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अकर करेगी. किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज निकालने के लिए मैंने मैक्सिमम मिनिमम चैप्टर में पढ़ाया है कि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज किसी इंटरवल ए कॉमा बी में कैसे फाइंड आउट करते हैं. हम लोग क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उस क्रिटिकल पॉइंट के अकॉर्डिंग हम जजमेंट लेना स्टार्ट करते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, है ना. डिफरेंशिएशन का यूज होता है, इंटरवल के एंड पॉइंट का यूज होता है. सो हम वो कवर करेंगे क्वेश्चन के साथ. ओके, डायग्राम बनाया था उसको समझाऊं, डायग्राम बना के समझा देता हूं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे. सपोज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विच इज डिफाइंड ओवर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंटरवल. वेयर इज द मैक्सिमम डेंसिटी, सबसे ज्यादा हाइट कहां पे है. सर मैक्सिमम हाइट यहां पे है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट. इस मैक्सिमम हाइट के एसोसिएटेड x का कौन सा नंबर है. लेट से x का वो नंबर कैपिटल m है, तो मैं बोलूंगा कि मॉड ऑफ कैपिटल x, मॉड ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल कैपिटल x इज इक्वल टू दिस कैपिटल m.
ये एफ कैपिटल एक्स एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दिया हुआ था, इस डेंसिटी फंक्शन का मैंने मैक्सिमम हाइट चेक किया कहां पे है, जहां पे मैक्सिमम हाइट होगा उसके कोरस्पोंडिंग एक्स की जो वैल्यूज है वो वैल्यू मोड कहलाएगी, वो हाइट मोड नहीं कहलाएगा, एक्स की वो वैल्यू मोड कहलाएगी। ओके, मैं क्वेश्चन भी करूंगा इसके ऊपर, दूसरा भी लेते हैं। लेट्स से देयर इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दैट इज डिफाइंड ओवर द इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और ए टू बी समथिंग, कोई इंटरवल है जहां पे डिफाइन हो रहा है। ये एरिया मैंने कैलकुलेट किया 0.5 आया, ये एरिया मैंने कैलकुलेट किया 0.5 आया, 0.5 प्लस 0.5 इज 1, दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, नाउ आई एम आस्किंग यू वेयर इज द मैक्सिमम हाइट इन दिस एग्जाम्पल, मैक्सिमम हाइट कहां पर है। सर मैक्सिमम हाइट मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, दोनों जगह सेम वैल्यूज है, इस डिस्ट्रीब्यूशन में दो दो मोड होगा, एक मोड यहां पर भी है और एक मोड यहां पर भी। लेट से दिस नंबर इज ए, दिस नंबर इज बी, सो वी विल से दैट मोड ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स इज टू नंबर ए एंड बी, देयर आर टू मोड, दिस इज अ बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन। सो एक से ज्यादा मोड भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, इन्फाइनेटली मेनी भी हो सकते हैं। मैंने आपसे पूछा कि मैंने कोई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन किया ए टू बी के इंटरवल में, लेट से दिस इज यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इट मीन्स एक समान, मैंने इसका एरिया कैलकुलेट किया और इसका एरिया वन निकल कर आ रहा है, जैसे ही एरिया वन निकल कर आया मैंने बोला दिस इज अ वैलिड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, इसमें मैक्सिमम हाइट क्या आ रहा है। सर आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, हाइट सेम मिलेगा, इट मीन्स एनी वैल्यूज लाइज बिटवीन ए एंड बी विल बी द मॉड, एनी वैल्यूज विल लाइज बिटवीन ए एंड बी विल बी अ मॉड, मॉड वो सारी वैल्यूज हो जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर